हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये रहा आपका परीक्षावाणी चैप्टर वन का फाइनल पार्ट। तो तीसरा पार्ट आज हम इसमें लास्ट तक जितना भी आता है वो सभी अब यहाँ पर कवर करेंगे। ढाई तीन घंटे का जितने का भी वीडियो हो गए हम इसको एक ही साथ बनाने वाले थे, लेकिन आपको पता है मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में बनाना पड़ा। तो आप देखेंगे इसमें पूरा फाइनल हम इसी पार्ट में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। धर्म आधारित जननांकीय आंकड़ों में देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा जो जन धार्मिक धर्म के लोग रहते हैं वो हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और सबसे कम कौन से हैं दोस्तों, जैन लोग सबसे कम है यहाँ पर, जैन, ठीक है। हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम साक्षरता वाले जो धर्म हैं, सबसे अधिक जो सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जो धर्म हैं, प्रतिशत में जैन धर्म का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम का सबसे कम है, ठीक है। और हिंदू में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, और जो है दूसरा बागेश्वर में। उसके बाद बात करेंगे आप यहाँ पर मुस्लिम में सर्वाधिक प्रतिशत, तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, दूसरा उधम सिंह नगर। सिखों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा सिख लोग रहते हैं, फिर देहरादून में। राज्य के कुल आबादी में मुस्लिम आबादी कितनी है, ठीक है, 13.95% है, जो 2001 में कितनी थी, 11.92% थी। राज्य की जो कुल आबादी है इसमें 2001 में 11.92% थी, अभी जो है बढ़ करके कितने हो गए, 13.95% हो गए। राज्य की कुल आबादी में हिंदू आबादी 2001 और 11 में, 2000 हिंदू आबादी जो है 2001 में कितनी थी, 84.96% थी, लेकिन 2011 में ये घटकर कितना हो गया दोस्तों, 82.97% हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी यानी कि लगभग 2% की आपको ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर आपको 2-3% की 2% की धनात्मक वृद्धि आपको देखने को मिल रही है 1 से 11 के बीच में। बात करेंगे सिख आबादी की, तो 2001 और 11 की तुलना करेंगे आप यहाँ पर, सिख आबादी 2001 में 2.59% थी, अभी जो है 2.34% है, ठीक है। यानी कि इनकी सिखों की आबादी भी यहाँ पर घटी है, ठीक है, 2001 से लेके 11 के आस बीच में, ठीक है, इनकी भी वृद्धि कम हुई है। राज्य की कुल आबादी में ईसाई आबादी की अगर बात करेंगे तो 2001 में ये 0.32% थे, अभी बढ़ करके 0.37% हो गए, यानी कि थोड़ी सी मात्रा इनकी भी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो यानी कि आपको अगर क्वेश्चन सीधे सीधे हेड टू हेड अगर पूछा जाएगा तो किसकी आबादी बढ़ी है किसकी कम हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर को हिंदू और सिख की आबादी थोड़ा कम हुई है, मुस्लिम्स और ईसाई की आबादी थोड़ी सी बढ़ी हुई है 2001 से लेके 2011 के बीच में, ठीक है। ये आंकड़े थोड़ा सा ध्यान रखने, आगे बढ़ेंगे अन्य आंकड़ों में। तो राज्य में विकलांग लोगों का जो प्रतिशत है 2011 के अनुसार वो 1.84% है, और राज्य के कुल परिवारों में जो विद्युत सुविधा युक्त परिवार हैं जिनके घर में विद्युत वगैरह अच्छे से है वो 87.3% लोगों के घरों में है। शौचालय सुविधा जो है 65.77% है। औसत जन्म दर की अगर बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 2019 के अनुसार 17.5 प्रति 1000, ठीक है, तो 17.5 प्रति 1000 औसत जन्म दर है। औसत मृत्यु दर 6.0, ठीक है, और उसके बाद शिशु मृत्यु दर 27 प्रति 1000 में है, ठीक है। उसके बाद है प्रजनन दर कितनी है, 1.9, मातृ मृत्यु दर कितनी है दोस्तों, आप देखिए 99 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म में। और उसके बाद बात करेंगे राज्य की नई स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कब हुई थी, 2013 में राज्य में नई स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति की घोषणा, ठीक है, 2013 में हुई थी। अनुसूचित जाति जनजाति संक्षिप्त की अगर बात करेंगे, देखिए दोस्तों अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो है जो जितने लोगों को रखा गया है, ठीक है, जितनी जातियां रखी गई है उनकी संख्या कितनी है, 65 उनकी संख्या है। अब यहाँ पर इनके सभी के नाम लेना संभव नहीं है, तो आप इसको पढ़ लेना। राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, 18.8%। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 936, पहले ही बता चुका हूँ। देखिए ये तो सब बता चुके हैं ना, जाति के उसमें जब पढ़ा था हमने सबसे ज़्यादा सबसे कम बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ये हम पढ़ चुके थे। इसमें जो नई चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए राज्य में लोकसभा की 5 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं, तो 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है 5 में से, वो सीट कौन सी, अल्मोड़ा की सीट है साथियों, ठीक।
उसके बाद विधानसभा, राज्य विधानसभा की सीटों में 70 सीटें हैं, तो इसमें से जो अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC के लिए सीटें हैं वो 13 सीटें सुरक्षित हैं। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। उसके बाद राज्य में सेवा में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो कितना परसेंट है, 19%, ये भी पूछा जाता है। राज्य सरकार के 20 लाख तक के ठेकों में SC ST के लिए आरक्षण जो होता है वो 10% होता है। यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान जरूर रखने आपने। अनुसूचित जनजातियों की अगर बात करते हैं तो आपको बता दूं यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राज्य में मुख्य रूप से जो जौनसारी हैं, थारू हैं, भोटिया, बोक्सा और राज्य जनजातियाँ जो हैं ये निवास करते हैं, इनको किसके अंतर्गत रखा गया, अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो इनको 1967 में घोषित कर दिया गया था अनुसूचित जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां कौन सी, देखिए घटते क्रम में आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा थारू हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद जौनसारी हैं, उसके बाद बुक्सा और उसके बाद भुटिया, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे फिर राजी, तो ये एक घटते क्रम में सबसे ज़्यादा से कम की तरफ को। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 2.9% है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। लिंगानुपात 963 बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा ST वाले कहाँ हैं, सबसे कम की दर कौन से उसमें है, ये सब हम बात कर चुके हैं। अब बात हम सीधे करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है चीज़ें हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी था जो 70 विधानसभा की सीटें हैं ना, तो उसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं, तो ये 2 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं, जो एक चक्राता है, दूसरी नानकमत्ता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं। राज्य में सेवा, राज्य सेवा में जो अनुसूचित जनजाति है ST के लोग हैं, इनके लिए कितनी प्रतिशत सीटें सुरक्षित होती हैं, ठीक है। तो यानी कि इनके लिए 4% रिजर्वेशन है, ठीक है, 4% सीटें इनके लिए आरक्षित रखी जाती हैं। जौनसारी से जो क्वेश्चन बनते हैं फटाफट से देख लेते हैं। जौनसारी जनजाति से, राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समुदाय जौनसारी है। जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर पाई जाती है, देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र है, वहाँ पर जौनसारी जो ST वाले हैं वो वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता है, कालसी है, त्यूनी तहसील के क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, जौनसार बाबर कहा जाता है। जौनसारी लोग मंगोल और डोमो प्रजाति के मिश्रण हैं, ठीक है, जो कि बटे हुए, ये 3 वर्गों में बटे हुए हैं साथियों, ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं, ध्यान रखना आपने। जौनसारी में कैसा परिवार मिलता है, तो ये संयुक्त परिवार जो पितृसत्तात्मक होता है ऐसा परिवार जौनसारी कम्युनिटी में मिलता है। पहले जौनसारियों में कैसा विवाह प्रचलित था, बहुपति विवाह प्रचलित था, ठीक है। पहले जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की जगह एक समिति होती थी, तो उसका नाम होता था दोस्तों खुमरी, ठीक है, खुमरी होती थी ग्राम पंचायत की जगह। खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता, ग्राम सयाना कहा जाता था। जो खते होते थे ना, खतों के मुखिया को सदर सयाना कहा जाता था। जौनसारी लोग जो हैं इनके धर्म क्या है, इनका हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के ही ये लोग हैं, हिंदू धर्म को ही मानते हैं। जौनसारी अपने को क्या मानते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं साथियों, ठीक है, ये अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। हनौल है, धैना, विशोई, लकवाड़, टगरी, लक्षार, लाखामंडल, मैंद्रथ, सहरान और गबेला, ये सारे जो हैं जौनसारी लोगों के देवस्थल हैं, ठीक है। और उसके बाद महासु देवता हैं, और उसके बाद बासक, पिवासक, भूतिया और बैठा, चलदा, चलदा या देवलाड़ी, ये महासु देवता के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हीं के अलग अलग रूप ये हैं। पांडव है, पवासी, भद्राज आदि, ये सभी जौनसारी के देवता, जौनसारी लोगों के देवता हैं। जौनसारियों के जो मुख्य देवता हैं वो महासु देवता हैं। हनौल, बुलाड़, विशोई, लकवाड़ आदि में क्या है, ये महासु देवता के ही मंदिर हैं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद जौनसारियों का मुख्य देवालय जहां महासु अपने चारों वीर भाइयों और माता देवराड़ी के साथ विराजते हैं, ठीक है, तो ये हनौल का मंदिर है, ठीक है, तमसा तट पर है हनौल मंदिर। जौनसारी दशहरा को पांडव कहते हैं, जबकि विजयलक्ष्मी को क्या कहते हैं, जो जौनसारी लोग हैं वो दशहरे को पांडव कहते हैं और विजयदशमी को ये लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये पायता कहते हैं विजयदशमी को। विश्व बैसाखी होगी, पंचाई दशहरा हुआ, दियाई दीपावली, माघ नुड़ाई जागड़ा, गोगा फूलदेई किमावड़ा आदि, ये सभी क्या है जौनसारी लोगों के त्यौहार हैं। दीपावली के 1 महीने बाद क्या मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये बग्वाल उत्सव मनाया जाता है। भादव महीने में जौनसारी जागड़ा नामक त्यौहार या उत्सव मनाते हैं, जो कि महासु देवता का त्यौहार है। जौनसारी माघ त्यौहार कब मनाते हैं, ये पूरे माघ भर में मनाते हैं, ठीक है, माघ त्यौहार को।
जौनसारी अप्रैल में 4 दिन तक बैसाखी त्यौहार मनाते हैं, जिसको ये स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, विशु कहा जाता है। ठीक है, विशु कहा जाता है स्थानीय भाषा में, 4 दिन तक मनाया जाता है। भेड़ पालक जौनसारी के द्वारा नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, सावन के महीने में मनाया जाता है। जौनसारी बेले भाषा में मेले को क्या कहते हैं, तो ये मौण कहते हैं। ठीक है, जैसे मछली मारने वाला जो मेला, उसको मछमौण कहते हैं ना, मौण या मौण कहते हैं मेले को। ठीक है, और हारूल है जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद घुमसू है, झेला, झूड़ा, धी, घुमंचा, जंगबाजी, सराई। ठीक है, ये बहुत सारे हैं, तो ये जौन सारे नृत्य गीत हैं साथियों। हनौल, लाकामंडल, चक्राता, मुंडाली, कोटी, कालसी, सैया, देवबन, ये सारे जो हैं जौनसार क्षेत्र के पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है, एक बार मोटे मोटे नज़र से इनको पढ़ जरूर लेना है। आज़ाद हिंद फौज में सिपाही वीर केसी चंद जौनसारी के बलिदान दिवस जो 3 मई को हुआ था दोस्तों, चौली थात में वीर केसी चंद की याद में मेला लगता है 3 मई को चौली थात में। जौनसारियों के खसास वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ये ब्राह्मण और राजपूत लोग आते हैं किसमें, खसास वर्ग में। और जौनसारियों के जो हरिजन खसास वर्ग है, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, डोम, कोल्टा, कोली और मोची। ठीक है, ये आते हैं इसके अंदर। फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित किसे, क्या, भाव सिंह चौहान को, इम्पोर्टेंट है, 3 मई वाला भी इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ जौनसार सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। जौनसार के प्रथम समाज सेवी केदार सिंह हैं, और इसके बाद बात करूंगा आगे, इनको फांसी दे दी गई थी 3 मई 1945 को वीर केसी चंद केसरी चंद जौनसारी जी को। ठीक है, 3 मई को मेला लगता है चौली थात में, ये आपको पहले बता चुका हूँ। जौनसार के प्रथम कवि, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, प्रथम कवि शिवराम जिनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है दोस्तों, वीर केसरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना वीर केसरी है। जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि किसे कहा जाता है, रतन सिंह जौनसारी को। जौनसारी संगीत के जनक किसे कहा था, नंदलाल भारती। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए प्रश्न हैं। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है, गुलाब सिंह को। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। थारू जनजाति की बात करेंगे, राज्य के कुल थारू आबादी में ज़्यादातर लोग कहाँ पर निवास करते, उधम सिंह नगर में। जनसंख्या की दृष्टि राज्य में कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जो जनजाति समुदाय है वो थारू ही है। ठीक है, सबसे बड़ा जनजाति समुदाय थारू है, दूसरा मैंने आपको बताया जौनसारी है। थारू को माना जाता है किरात वंश का माना जाता है। तो ये जो थारू लोग होते हैं सामाजिक रूप से कई गोत्रों और कई कुरियों में बटे हुए होते हैं। बड़वायक, बट्टा, रावत, ब्रितिया, महतो, डहत आदि थारू जो हैं, तो इनका एक ये गोत्र है। ठीक है, थारों के शारीरिक लक्षण ज़्यादा मतलब किससे मिलते हैं, तो ये मंगोल प्रजाति से मिलते हैं, ये क्वेश्चन आया था एक बार। अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली और भावरी भाषाएं बोलते हैं, तो ये थारू लोग ही बोलते हैं। ठीक है, थारू खुद के द्वारा एक शराब बनाते हैं जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, जाड़। ठीक है, तो जाड़ यानी कि जाड़ में जाड़ होता होगा, ठंडा होता है, तब इसको पीते होंगे, इसका नाम ही इन्होंने जाड़ रख दिया। ठीक है, इसको ये खुद बनाते हैं। थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को क्या कहते हैं, पक्की पौड़ी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। थारू में विवाह की सगाई रस्म को क्या कहा जाता है, अपना पराया करना। ठीक है, विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोज को लठ भरुआ भोज कहते हैं साथियों। ठीक है, जब विधवा का विवाह होता है, विधवा विवाह के बाद जो भोजन दिया जाता है, बाद में भोज दिया जाता है, पार्टी होती है, उसको लठ भरुआ भोज कहते हैं। थारू जो है हिंदू धर्म को ही मानते हैं। इनके जो देवी देवता हैं उनमें नाम आता पछावन, खड़का भूत, काली, नगरियाई, भूमिया या भूमसेन, कोरोदेव, राकत, कलुआ। ठीक है, ये सारे किसके देवी देवता हैं, थारू लोगों के हैं। बजहर नामक एक त्यौहार मनाया जाता है, जो कब मनाया जाता है, ज्येष्ठ या बैसाख में ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसका नाम था बजहर। अब क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, जो था बजहर त्यौहार निम्न में से किनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो बजहर किसके द्वारा मनाया, थारू लोगों के द्वारा मनाया जाता है। होली के अवसर पर थारू लोग नृत्य करते हैं, तो ये खिचड़ी नृत्य करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थारू लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, पशुपालन पर है, शिकार पर है और कृषि पर है, तो थारू लोगों की सारी अर्थव्यवस्था इस पर आश्रित है। ठीक है, भोटिया जनजाति की अगर बात करते हैं आप, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है साथियों। भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, एक तो उत्तरकाशी में आपको देखने मिलेंगे, चमोली में देखने मिलेंगे, पिथौरागढ़ में देखने मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ हैं, ये 3-4 जो जिले हैं मुख्यतः है, यहाँ पर आपको भोटिया लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन इनकी जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से इनकी जो उपजातियाँ होंगी ना, वो अलग अलग होंगी। ठीक है,
तो इसकी जो सर्वाधिक जो जाति मतलब प्रजाति पाई जाती है, सर्वाधिक लोग जो पाए जाते हैं भोटिया, तो ये पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। लेकिन इनको अनेक उपजातियों में बांटा गया, जैसे मारछा, तोलछा है, जौहारी और सौका है, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा और छापड़ा, ये सब बखरिया आदि, ये सभी क्या है, भोटिया लोगों की उपजातियां हैं। ठीक है, उसके बाद जौहार जो पिथौरागढ़ क्षेत्र में पड़ता है, भोटिया सौका और धारचूला के भोटिया रंग कहलाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जौहार के भोटिया और सौका तथा जौहार के भोटिया सौका कहलाते हैं और धारचूला पिथौरागढ़ के भोटिया रंग कहलाते हैं। ठीक है, जबकि नीति माणा चमोली के भोटिया लोग जो हैं वो रंगपा कहलाते हैं। चमोली के भोटिया को मारछा तोलछा कहते हैं। ठीक है, मारछा तोलछा जो उपजाति है भोटियाओं की, वो कहाँ की है, चमोली की है। और उत्तरकाशी की जो भोटिया है इनको क्या कहते हैं, जाड़ कहते हैं। और पिथौरागढ़ के जो भोटिया लोग हैं इनको दरमिया, चौंदासी, ब्यासी और जौहारी नाम से आप जानते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे एक सिंगर है नीलू जौहारी, ठीक है, और इसी प्रकार से दरमिया है, चौंदासी है, ब्यासी है। ठीक है, इन लोगों के जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग उपजातियाँ हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। अंगर, जादुंग, नेलंग, ठीक है, तो नेलंग घाटी आपने सुना होगा, उत्तरकाशी में जाड़ भूटानतिकों के अंतिम गांव है दोस्तों ये। उसी प्रकार से आप बात करेंगे अलकनंदा घाटी में, चमोली में जो भोटांतिक हैं उसके जो अंतिम गांव है वो माणा है, वनाकुली है और औध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। उसके बाद भोटांतिकों का चमोली के अंतर्गत नीति घाटी आपको पता ही है। उसके बाद पिथौरागढ़ की अगर बात करेंगे, उसमें डुंग, मिलम, तेडांग, जोलिंग, कोंग, कुंटी, ठीक है, ये सभी जो है कहाँ के अंतिम गाँव है, ये पिथौरागढ़ के भूटानतिकों के अंतिम गांव है। जाड़ भूटिया अपने को क्या मानते हैं, जनक का वंशज मानते हैं दोस्तों ये लोग। ठीक है, जो जाड़ भूटिया हैं अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। और उसके बाद जाड़ भूटिया बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं ये लोग। उसके बाद जाड़ लोगों की भाषा क्या है, रोम्बा, ये क्वेश्चन आया था एक बार। लौसर और सूरगैन जाड़ लोगों का क्या है, एक त्यौहार है। ठीक है, भोटी जाड़ को छोड़ करके शेष जो भोटिया हैं वो खुद को क्या मानते हैं, खस राजपूत मानते हैं। जो जाड़ हैं वो तो अपने आप को जनक का क्या मानते हैं दोस्तों, वंशज मानते हैं, लेकिन उनको छोड़ करके जो बाकी सभी भोटिया लोग हैं वो क्या हैं, खुद को खस राजपूत मानते हैं। भोटिया हिमालय की तिब्बती वर्मी भाषा परिवार के कितनी बोलियाँ बोलते हैं, 6 बोलियाँ बोलते हैं। भोटिया किस प्रकार के हैं, तो ये तिब्बती और मंगोलियन मिश्रित प्रकार की प्रजाति है। ठीक है, भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास गुंडा या मुनसा कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे उठता है यहाँ से। और ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है इनका। ठीक है, मैत जिसको पहाड़ी में हमारे वहाँ माइका भी कहते हैं ना, ज्या या मर्ज्या, ठीक है, ये मक्खनी चाय है, मर्जादू तथा चकती या छंग, ठीक है, बोलते हैं ना छंग, आपने सुना होगा, मर्जादू या मरचती तो नहीं सुना का, चकती नहीं सुना होगा चाहे, लेकिन छंग तो आपने सुना ही होगा। तो छंग ये भोटिया लोगों की एक दारू होती है, प्रिय पेय होता है, ठीक है, मदिरा होती है। तत्सत और दामोला भोटिया की एक विवाह है, जो विवाह की दो विधियां हैं। विवाह के अवसर पर भोटिया लोग पौड़ा नृत्य करते हैं साथियों, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किसके अवसर पर, विवाह के अवसर पर भोटिया लोगों के द्वारा किया जाता है। विवाह हुआ है तो आपके मेहमान आए होंगे पहाड़ी में, उनको पौणा कहते हैं, तो पौणा आए होंगे तो पौण लोग आए होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, नृत्य कर रहे होंगे विवाह के अवसर पर, इसलिए पौणा नृत्य। ठीक है, ध्यान रखना है। भोटिया अपने सगे संबंधियों को स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर बिरादर बोलते हैं ना, भूमियाल, ग्वाल, रैग, बैग, रैग, चिम, नंदा देवी, दुर्गा, ये सारे इनके पूज्य देवता हैं। इनका एक 12 वर्ष में भोटिया लोगों का एक उत्सव मनाया जाता है जिसको कंडाली उत्सव कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। उसके बाद तुवेरा बाजू तिमली, ठीक है, ये नाम सुनने से ऐसा लगता है ये जैसे इनके आभूषण होंगे, लेकिन ये लोकगीत हैं। ठीक है, भोटिया का मुख्य जो वाद्य यंत्र है हुड़के हैं। भोटिया अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कृषि, पशुपालन, दस्तकारी और व्यापार पर। ठीक है, तिब्बत से पहले व्यापार करते थे, ये आपको पता ही है, तो व्यापार पर, कृषि, पशुपालन और दस्तकारी पर। बात करते बोक्सा जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में बोक्सा सबसे पहले बनबसा, जो चंपावत वाला जो क्षेत्र है, बनबसा से आकर यहाँ बसे थे। बोक्सा राज्य के नैनीताल में आपको मिलते हैं, उधम सिंह नगर, देहरादून और पौड़ी जिलों में। ठीक है, लेकिन इनकी जो सबसे ज़्यादा बोक्सा लोगों की जो जनजाति जनसंख्या है ना, वो है उधम सिंह नगर में। ठीक है,
और नैनीताल उधमसिंह नगर के जो बुक्सा बहुल जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बुक्सा लोग ज़्यादा रहते हैं उसको बुक्साड़ कहा जाता है। ठीक, देहरादून में बुक्सा को क्या कहते हैं, मेहर बुक्सा कहते हैं। अधिकतर जो विद्वान हैं वो बुक्सा लोगों को पवार राजपूत घराने का मानते हैं। ठीक है, और इनके जो गोत्र हैं उपजातियाँ 5 गोत्रों में विभाजित हैं, यदुवंशी, पवार, राजवंशी, रजत, परतजाव, तुनवार, बुक्सा की। ठीक है, बुक्सा सबसे ज़्यादा ये हिंदू धर्म के निकट हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले ही होते हैं। इनके जो स्थानीय देवता हैं दोस्तों वो है खेड़ी देवा, ज्वालपा देवी, हुलका देवी और साकरिया देवी। ठीक है, और चामुंडा देवी जो काशीपुर में है तो वो बुक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी है। ठीक है, बात करेंगे बुक्सा सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो ये बनबसा चंपावत में बसे थे सबसे पहले। इनकी भाषा जो है दोस्तों वो है भावरी भाषा, इनकी है कुमैया रज भैसी। ठीक है, ये कुछ इनकी बुक्सा लोगों की भाषाएं हैं। बुक्सा लोगों के त्योहारों की अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर के जैसे चैती त्यौहार है बुक्सा लोगों का, चैती 1 महीने का मेला लगता है। नौवीं है होंगड़, ढहलिया, गोटरे, मौरो, होली, दीपावली, नवरात्र, ये सभी बुक्सा लोगों के कुछ त्यौहार हैं, प्रमुख त्यौहार। लेकिन बुक्सा लोगों का जो प्रमुख त्यौहार और मेले की अगर बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया, तो ये चैती मेला है दोस्तों, चैत्र मास में लगता है, पूरे महीने भर लगता है। बुक्सा गांव में बिरादरी, पंचायत, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही होते हैं, तो ये न्याय और कानून व्यवस्था देखने के लिए होते हैं। बुक्सा अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कृषि पर, पशुपालन और दस्तकारी पर। ठीक है, राजी जनजाति की बात करेंगे तो ये ऐसी जनजाति है जो माना जाता था कि ये जंगलों में निवास करती है, इसीलिए इनको वनराउत, वनराउत, जंगल के राजा आदि भी कहा जाता है। ठीक है, राजी अपने आप को हिंदू कहते हैं। ठीक है, और वर्ण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अपने आप को रजवार राजपूत मानते हैं। पहले वूक विनिमय की इनमें जो है एक प्रथा चलती थी, वूक विनिमय की, राजों की बोली मुंडा है लेकिन बाहरी लोगों से बोलने के लिए ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुमाऊनी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। राजी लोगों की सबसे जो कम जनसंख्या है, जनसंख्या सबसे कम 690 है। अधिकांश राजी कहाँ पर रहते हैं, पिथौरागढ़ में रहते हैं। आपको मैंने बताया सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या कौन सी है और सबसे कम कौन सी है, वो पहले मैं बता चुका था। राजी किस प्रकार के शिल्प में निपुण होते हैं, कास्ट शिल्प दोस्तों। ठीक है, लकड़ी के शिल्प दिखाने के लिए ये बहुत ही निपुण होते हैं कास्ट शिल्प में। राजी के दो देवता होते हैं, ठीक है, जो बनराउत वगैरह, बनराउत या बनराउत के जो देवता होते हैं, ये बाघनाथ इनके मुख्य देवता हैं। उसके बाद मलयनाथ है, गणनाथ है, सैम है, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी। ठीक है, तो ये राजी लोगों के कुछ देवता हैं। गोरा, अट्ठावली, कारक, मकरा, ठीक है, ये राज्यों के प्रमुख त्यौहार हैं। राज्यों में सांगजांगी और पिठिया संस्कार होता है, तो ये विवाह से पहले होता है। ठीक है, पिठिया संस्कार और सांगजांगी होता है। राजी अपने आवास को क्या कहते हैं, रोतीउड़ा कहते हैं। राजी अधिकांश निवास कहाँ पर करते हैं, झोपड़ियों में अधिकांश निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे परिवहन और संचार संबंधी कुछ चीज़ों का। ठीक है, परिवहन और संचार संबंधी, तो देखिए राज्य में कुल यातायात में सड़क का योगदान जो है दोस्तों वो लगभग 85% योगदान के किसका है, सड़कों का है। ठीक है, और इसमें सड़क यातायात में जो निजी ट्रांसपोर्टर है ना, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है, उनके 80% योगदान उनका है। अब देखिए यहाँ पर सड़क का आप जान ही सकते हैं ना यार, ट्रेन का ज़्यादा यहाँ पर आवागमन नहीं होगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो ट्रेन की पटरियाँ उतना संभव नहीं है बिछा पाना, तो इसीलिए सड़क का जो योगदान है यातायात में 85% है। इसके अंदर भी जो निजी ट्रांसपोर्टर हैं उनका 80% है। अभी तक जो सड़कों से अछूता भाग है लगभग 40% अभी तक अछूता है। सड़कों की कुल लंबाई और संख्या जो है वो गढ़वाल मंडल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सर्वाधिक जो सड़कें हैं वह पौड़ी में, सबसे कम रुद्रप्रयाग में हैं। राज्य के कुल वाहनों में सर्वाधिक और सबसे कम वाहन जो, सर्वाधिक वाहन देहरादून में, सबसे कम वाहन उत्तरकाशी में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए रामनगर जो नैनीताल में पड़ता है, यहाँ से लेके कालागढ़, पौड़ी, कॉर्बेट पार्क, पौड़ी पखरो जो कॉर्बेट से होते हुए कोटद्वार को जाता है, यानी कि सीधे सीधे आप देखेंगे रामनगर से लेके जो कोटद्वार के लिए सीधा एक मार्ग बनाया जा रहा है जो कॉर्बेट के बीच से होकर गुजरने वाला है। ठीक है, तो ये 88 किलोमीटर बहुत पुराना मार्ग है जो जटिल वन कानून के कारण काफ़ी दिनों से बंद है, लेकिन अब इसको खोला जा रहा है। तो इस मार्ग को अभी खोला जा रहा है जो काफ़ी समय से खोला था, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान, कॉर्बेट के बीच से गुजरने की वजह से इसको बंद किया गया था।
तो इसको कंडी मार्ग आप कह सकते हैं, ठीक है। कंडी मार्ग है जो इस समय थोड़ा सा मतलब उसमें आया हुआ है, लाइट में आया हुआ है, करंट का मुद्दा भी है। बिना यूपी में प्रवेश किए आप जो है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाला एक सीधा मार्ग यही है, ठीक है, कंडी मार्ग। इसके बारे में इसीलिए ये आप इसको ध्यान रखेंगे। राज्य गठन के समय सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी साथियों? 10,000 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद बात करूंगा आपसे कुल लंबाई। आप देखिए बहुत ज़्यादा ये आंकड़े जो है आपसे पूछे नहीं जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो ग्रामीण सड़कों की लंबाई है वो कितनी है। ये देखिए ग्रामीण सड़कों की लंबाई 2021 में ये आया है 24,743। जिला सड़कों की लंबाई 2502, 3830 जिला प्रमुखों की, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, थोड़ा थोड़ा इसको मोटा मोटा पढ़ लेना। लोक राज्य लोक निर्माण विभाग अधीन सड़कों की कुल लंबाई देखेंगे आप, ये रही यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 39,454। उसके बाद आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखता हूँ आपसे मैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित हो रही है, कब से हो रही है? 2000 से, वर्ष 2000 से ग्राम सड़क योजना संचालित हो रही है, ये ध्यान रखना आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सन 2000 से हो रही है। 12,000 करोड़ रुपए वाली चार धाम ऑल वेदर रोड योजना शुरू की गई है, 27 दिसंबर 2016 को शुरू की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दो के दो अभी बोल रहा हूँ। ऑल वेदर रोड योजना के तहत कितने किलोमीटर मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है? तो लगभग 889 किलोमीटर का। आप देखेंगे पिथौरागढ़ वाली रोड में आप चले जाइए, बॉर्डर रोड है, घाट वाली रोड में, घाट से और चंपावत वाले रोड में चले जाइए, बहुत ही ज़बरदस्त रोड बनी हुई है। तो ऑल वेदर रोड इसलिए रखा, मतलब किसी भी वेदर में आप किसी भी तरीके से यहाँ से जा सकते हैं। बहुत चौड़ी रोडें बन रखी हैं, सुदृढ़ रोडें बन चुकी हैं, ठीक है। चार चार ट्रक, पांच पांच ट्रक एक साथ जो है यहाँ से गुजर सकते हैं, ऐसी रोड बनी हुई है। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना में चारों धामों की रोडों के अलावा शामिल है टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग। देखिए मैंने बोला जैसे कि चार धामों के अलावा जो टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग है, क्या गजब मार्ग है बना हुआ है। राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पर है? देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में है चालक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा एक चालक प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित किया गया, कहाँ पर? हल्द्वानी में प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया जाता है, ISBT का निर्माण हो रहा है, वो हल्द्वानी में दोस्तों, ठीक है। ISBT राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए यूके सीरीज शुरू की गई, 1 नवंबर 2007 से शुरू की गई यूके, इससे पहले क्या था? UA सीरीज थी, ठीक है। तो 1 नवंबर 2007 से वाहन जो है इनके रजिस्ट्रेशन में यूके, जैसे UK01 है अपने इधर आता है, फिर UK02, UK04 हल्द्वानी नैनीताल, ठीक है, बागेश्वर 02, इस प्रकार से जो आता है, ठीक है। 07 आपका देहरादून हो गया। चलिए जोशीमठ, 2021 के अंत तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी थी? NS 22 NS थे 2021 के अंत तक। जोशीमठ से मलारी के बीच बनने वाले प्रदेश के 23वें राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, 22 तो पहले थे, 23 पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 107B का शिलान्यास किया गया, 21 अक्टूबर 2022 को इसका शिलान्यास हाल ही में किया गया। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना है इस चीज़ को, 107B है, ठीक है। जोशीमठ से मलारी के बीच ये बन रहा है, 21 अक्टूबर 2022 को इसका शिलान्यास हुआ है। राज्य में सबसे लंबा और सबसे छोटा, देखिए सबसे लंबा NS 7 है दोस्तों, 402.60 किलोमीटर इसकी लंबाई, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NS 30, ठीक है, केवल लगभग 3 किलोमीटर के आसपास, 2.90। राज्य में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग NS 7 को माना गांव से लगभग 50 किलोमीटर और आगे बढ़ाया जा रहा है, माना के पास तक, ठीक है। हरिद्वार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? NS 34, NS 334, NS 334A। यानी कि हरिद्वार से अगर ध्यान रखेंगे तो आपको NH क्या ध्यान रखना है? 34। तो NS 34 से संबंधित NS 334 भी है, NS 334A भी है। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH 34 पर स्थित है। पहले अलग अलग थे आपको ध्यान होगा, लेकिन अब ये सारे बदल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चारों धामों के आपको याद रखने हैं, ठीक है। गंगोत्री कहाँ किस NH 34 में है, और यमुनोत्री NH 134 में। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो 34 में है, उसमें 100 जोड़ देंगे आप, गंगोत्री के बाद यमुनोत्री आएगा तो 134 पर है। केदारनाथ वैसे ही देखेंगे आप 107 पर है, तो जो बद्रीनाथ है वो केवल 7 पर है। बद्रीनाथ 7 पर है, केदारनाथ जाने के लिए 100 और जोड़ दो पीछे से, इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ।
राज्य की राजधानी देहरादून से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से? देहरादून से NH-7 और NH-307, ये दोनों गुजरते हैं, NH-307 और NH-7। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण और गैरसैंण से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-109 है दोस्तों, ठीक है, 109 जो बद्रीनाथ वाला है ना, ठीक है ना, चलिए आगे, बद्रीनाथ रोड है 109। बात करेंगे आगे, मुनस्यारी और जौलजीबी से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, ये देखिए मुनस्यारी जौलजीबी से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-109K। और बात करेंगे प्रदेश के राज्य परिवहन निगम के कुल बस डिपो कितने हैं? 19 है। और उत्तराखंड रोडवेज का गठन कब किया गया? 2003 में उत्तराखंड रोडवेज का गठन किया गया, इम्पोर्टेंट है। टिहरी झील पर बना भारत का सबसे लंबा झूला पुल जो कितना है? 440 मीटर है, डोबरा चांठी पुल के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ये 8 नवंबर 2020 को चालू हुआ, डोबरा चांठी पुल 8 नवंबर 2020 को चालू हुआ, जो किसके ऊपर है? टिहरी झील पर बना हुआ है। ऋषिकेश में रामझूला पुल के निकट 310 मीटर लंबा जानकी पुल बना है, ठीक है, इसका भी जो चालू हुआ, ये भी उद्घाटन इसका 20 नवंबर 2020 को ही हुआ, ठीक है, यानी कि 8 नवंबर 2020 को डोबरा चांठी और जानकी झूला पुल 20 नवंबर 2020 को। बात करेंगे इसके आगे अब रेलवे रेल परिवहन की दोस्तों, ठीक है। तो राज्य में कुल जो रेल पथ है 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार ये है, तो इसमें 344.91 किलोमीटर जो है कुल रेल पथ है रेल परिवहन का, ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे जो बड़ी लाइन है वो 283.76 किलोमीटर की हैं और छोटी लाइनें जो हैं वो 61.15 किलोमीटर छोटी लाइनें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखेंगे यहाँ पर 344.91 किलोमीटर, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 350 किलोमीटर की, ठीक है। राज्य में जो रेल पथ वाले जिले हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो आपको पता है ट्रेन जो होगा वो मैदानी क्षेत्रों में ही होगी, तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में, ठीक है। नैनीताल का कुछ हिस्सा जो है मैदान से मिलता है तो वहाँ आपको देखने को मिलेगी, उधम सिंह नगर ठीक हुआ, पौड़ी का भी कुछ हिस्सा मिलता है और चंपावत का भी कुछ हिस्सा उधर मैदान की साइड से टच होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है रेल लाइनें आपको देखने को मिल जाती हैं। राज्य में रेल पथ की सर्वाधिक और सबसे कम लंबाई वाले जिले, सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है साथियों हरिद्वार में होगा, सबसे ज़्यादा रेल लाइन है, ठीक है, हरिद्वार में जंक्शन भी है बहुत बड़ा। और उसके बाद अगर बात करते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम आपको पौड़ी में देखने को मिलती है रेल लाइन, ठीक है, सबसे ज़्यादा हरिद्वार, सबसे कम पौड़ी में। पहला जो रेल लाइन बिछाया गया था, ठीक है, पहला रेल पथ बिछाया गया था वो 1884 में बिछाया गया था, 1884 में जो रामपुर से लेके काठगोदाम तक बिछाया गया था, पहला रेल पथ था, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया, ठीक है, लक्सर जंक्शन, लक्सर भी हरिद्वार में ही है, तो 1896 में, ठीक है, 1896 में इसको जोड़ा गया था, हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था, तो 1900 में जोड़ा गया। और हरिद्वार रेल लाइन, देहरादून रेल पथ कहाँ से गुजरता है? तो ये राजाजी नेशनल पार्क के 20 से होकर गुजरता है, कौन? हरिद्वार देहरादून रेल पथ। सर्वेक्षणाधीन रेल पथ कौन सा है? तो चारों धामों के लिए सर्वेक्षणाधीन है। निर्माणाधीन रेल पथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग देवबंद रुड़की, ठीक है, ये निर्माणाधीन है, निर्माण इसका चल रहा है। राज्य में कुल रेल स्टेशन, या फिर आप कहेंगे कि जो हॉल्ट होते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकती है थोड़ी देर के लिए स्टेशन, वो कुल मिला के कितने साथियों? वो 41 कुल मिला के हैं। जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है वो देहरादून है, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, टनकपुर, ये कुछ रेल के प्रमुख रेलवे स्टेशन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बड़ी रेलवे के टर्मिनल स्टेशनों की, ठीक है। तो बड़ी रेलवे के टर्मिनल स्टेशन कहाँ कहाँ पर है? बड़ी रेलवे के लिए एक तो काठगोदाम में है, जो नैनीताल माता फेमस है, प्रसिद्ध है, जो 1884 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद दूसरा कोटद्वार पौड़ी में है, ठीक है दोस्तों, ये दो ही हैं बड़ी रेलवे लाइन जो है इनके टर्मिनल स्टेशन, ठीक है। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन टनकपुर चंपावत में है, और देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये 5 जिलों से गुजर रही है, कौन? ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है वो गुजर रही है 5 जिलों से, ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है कितने जिलों से गुजर रही है? 5 जिलों से। कौन कौन से जिले हैं? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की लंबाई और इसका जो
इतने की लागत है 20 मार्च 2020 से निर्माणाधीन है, तो इसमें कितने किलोमीटर का है, 125.25 किलोमीटर का है, ठीक है, 125.25 किलोमीटर है। और इसमें मैं आपको बता दूं, सुरंग जो है ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा लंबाई में तो सुरंग ही आने वाली है, ठीक है। तो 17 सुरंगों से ये मार्ग गुजरने वाला है, ठीक है, जिसमें से और 105.4 किलोमीटर पथ जो है, 105 मैंने कहा ना, 105 किलोमीटर, यानी कि केवल 20 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं जो ओपन लाइन होगी, बाकी 105.47 किलोमीटर 17 सुरंगों से होकर गुजरने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आपने। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के 125.20 किलोमीटर के पथ में प्रस्तावित कुल कितने पुल हैं, 35 पुल हैं, ठीक है, जिसमें से जो मुख्य पुल है वो 16 पुल मुख्य पुल है। चलिए बात करेंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत योगनगरी ऋषिकेश, ठीक है, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी वगैरह आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 स्टेशन है कुल मिला के, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इस परियोजना के 12 स्टेशनों में सबसे कम प्लेटफॉर्म है जनासू में होने वाले, कितने, केवल एक प्लेटफॉर्म, जबकि सबसे अधिक जो प्लेटफॉर्म होने हैं वो श्रीनगर और सिवनी में होने, श्रीनगर में 5 और सिवनी में 6 होने हैं, तो सबसे ज़्यादा श्रीनगर में, सबसे कम कहाँ पर, जनासू में, ठीक। देन बात करते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के प्रथम चरण में ऋषिकेश से योगनगरी ऋषिकेश तक 5.7 किलोमीटर रेल पथ पर संचालन शुरू कर दिया गया है, तो ये 17 मार्च 2020 से संचालन इसमें शुरू कर दिया गया है। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल संचालन का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक, ठीक है। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है तो वो 2024-2025 तक रखा गया है, ठीक है। चलिए बात करेंगे मेट्रो परियोजना की, तो यहाँ पर 34 किलोमीटर और 20 स्टेशनों वाली हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो रेल परियोजना भी अभी यहाँ पर प्रस्तावित है। बात करते हैं वायु परिवहन की दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर और जो है आपका एरोप्लेन वगैरह से, तो वायु परिवहन की बात करें राज्य में जो हवाई अड्डे हैं, आपको एक तो पता है दून हवाई अड्डा देहरादून है, फूलबाग, पंतनगर, उधम सिंह नगर, नैनीसैनी, पिथौरागढ़ में, गौचर, चमोली में, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी, चिन्याली, ठीक है, ये जो है कुछ रेल के हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो चलता है वो दून हवाई अड्डा ही आपको बताई है। राज्य में सबसे लंबा रनवे पंतनगर हवाई अड्डे का है, ठीक है। तो अब ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा जो रनवे है, ठीक है, जिस पे जब एरोप्लेन लैंड करता है तो उसके बाद कुछ दूरी तक वो अपने टायरों पर चलकर जाता है, तो वो रनवे होता है, वैसे टेक ऑफ और के समय भी होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप कहेंगे सबसे ज़्यादा तो पंतनगर का है, और सबसे छोटा जो रनवे है वो है कहाँ का, चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे जो उत्तरकाशी में है। कि वर्तमान में प्रदेश में कुल हेलीपैड कितने हैं दोस्तों, 51 हेलीपैड हैं फिलहाल वर्तमान में। प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, किस नाम से, पवन हंस नाम से, सरकारी और निजी कंपनियों के द्वारा की जा रही है। जो सरकारी कंपनियों के द्वारा की जा रही है वो पवन हंस नाम से शुरू की जा रही है, यानी कि पवन हंस मतलब हवा में उड़ने वाला हंस, ठीक है। तो ये सरकार की सेवा है, प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाएं इसी नाम से शुरू की चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के लगभग 14 मार्गों पर शुरू की जानी है हवाई और हेली सेवाएं शुरू की जानी है। सहस्त्र द्वारा जो देहरादून में हेलीपैड से क्या शुरू होने वाला, हिमालय दर्शन सेवा शुरू होने वाली है, ठीक है। प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी 2003 में, ठीक, 16 मई 2003 में शुरू की गई थी। कुछ अन्य फैक्ट्स से यहाँ पर देखें तो राज्य में कुल जो डाकघर है 2722 कुल डाकघर हैं, कुल दूरभाष केंद्र 354 हैं, और कुल पीसीओ केंद्र हैं 457। आपको अगर कुछ साल पहले की बात पता होगी, जिस समय जो है प्रत्येक घरों में ऐसे मोबाइल नहीं हुआ करते थे धूमधाम से, तो उस समय पीसीओ हुआ करते थे, लोग फ़ोन करने के लिए पीसीओ में जाते थे, फिर लैंडलाइन आए, धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित होती रही। राज्य में कुल जो टेलीफोन कनेक्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 47,952 है, ठीक है। बीएसएनएल के कनेक्शन भी देख लीजिए आप यहाँ पर को 14,36,975। विद्युत ऊर्जा की बात करें तो दोस्तों यहाँ से एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या बनता है, मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। यदि संयंत्र लगाए जाए तो प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है, ठीक है। तो संयंत्र लगाने पर जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पर 24,381 मेगावाट तक हो सकता है भाई, 24,381।
राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास है, 1904 से जो है 1909 के बीच जो है निर्मित ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, जो 3.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती थी। राज्य गठन के समय राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? ठीक है, राज्य जब गठन हुआ था 2000 में तो उस समय 1115 मेगावाट जो है राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी साथियों। ठीक, वर्तमान में राज्य में प्रदेश सरकार की स्वयं की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1322.56 मेगावाट। ठीक है, जो प्रदेश सरकार की यानी कि उत्तराखंड सरकार की खुद की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता है। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 1800 मेगावाट है। ठीक है, और उसके बाद निजी क्षेत्रों के द्वारा स्थापित जो परियोजना है इनकी क्षमता कितनी? 822 मेगावाट है। आपको बता दूं वर्तमान में जो उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में कुल 4092 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है। 4000 कितने की? 4092 यानी कि 4092 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, और इस समय 2275 मेगावाट की परियोजनाएं और निर्माणाधीन हैं। ठीक है, लखवाड़, किसाऊ, बावला, नंदप्रयाग, उसके बाद नंदप्रयाग लंगासु, ये सारे जो है बहुत सारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो इस समय निर्माणाधीन है, चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रदेश, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रदेश में केंद्र, अन्य राज्यों और निजी क्षेत्रों के द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य को कितना लाभ होगा? देखिए, हमारे राज्य का के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे केंद्र सरकार ने कोई परियोजना लगाई, किसी ने निजी क्षेत्र में कोई निजी तौर पर परियोजना लगाई, तो उससे जो हमारे हमको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए, उत्तराखंड को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो इसका जो 12% बिजली है वो रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क और यहाँ के लोगों को रोजगार और अन्य व्यवस्थाएं जो है अन्य सुविधाएं उनको दी जाएंगी। तो मेन क्या है, 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलेगी और निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, बिजली, और उसके बाद जो है जो रोजगार की बात आती है तो कुछ यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार भी इसमें दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो सभी को पता है, टिहरी जल विद्युत परियोजना है साथियों। ठीक, बात करेंगे टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया था, कब? 1978 में किया गया था। केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए TSDC का गठन कब किया? 1989 में किया था, और लगभग 100,000 लोगों को पुनर्निर्वासित करके प्रोफेसर जेम्स ब्रून की डिजाइन पर यह टिहरी डैम को बनाया गया, जो विश्व का चौथा और एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ बांध है, जिसको क्या बोलते हैं? काफर बांध बोलते हैं। ठीक है, काफर बांध होते हैं, आपको पता ही होगा, काफर बांध, फाकर बांध। तो काफर बांध क्या होते हैं? जो मिट्टी और पत्थरों से बनाए जाते हैं, पत्थरों से निर्मित होते हैं। यहाँ निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में ही देख लिया आपने, और इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपने देख लिया, 260.5 मीटर। ठीक है, तो इसके जो पहले चरण में बिजली उत्पादन शुरू हुआ था तो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत 2006 में हुआ था सर्वप्रथम। ठीक, राज्य में अधिक ऊंचाई वाले निर्मित या निर्माणाधीन बांध कौन सा है? टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर, किशोर बांध टोंच नदी पर। ठीक, और उसके बाद किशोर बांध की है 253.5, लखवाड़ बांध, जमरानी बांध, उसके बाद आ जाता है जो गौला नदी पर है, कालागढ़ बांध पश्चिमी रामगंगा पर है। चलिए उसके बाद बात करेंगे टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर, टिहरी डैम का स्थानीय नाम सुमन सागर। राज्य के सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाले बांध, ठीक है, कोठार, टिहरी और किशोर बांध। ठीक है, आगे उसके बाद है राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो ये जल विद्युत परियोजना राज्य में जो सबसे बड़ी है दोस्तों, ये है आपके कौन सी? पंचेश्वर परियोजना, काली नदी और भारत नेपाल इसको जो है संयुक्त रूप से बना रहा है। 5040 मेगावाट क्षमता का ये डैम बनने वाला, बहुत बड़ा डैम बनने वाला है। पंचेश्वर परियोजना 11600 हेक्टेयर भूमि को इस अपने उसमें समा लेने वाला है, जबकि इसमें क्या है, लगभग 31023 परिवार विस्थापित होने वाले हैं। ठीक है, तो 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार अति सूक्ष्म में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास पंचायतों के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? पंचायतों के द्वारा। उपरोक्त नीति के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है स्थानीय निजी क्षेत्र की भागीदारी से
किया जा सकता है। दोस्तों राज्य में पावर कॉरपोरेशन द्वारा विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं? 15,745। सोलर सिस्टम से जो विद्युतीकृत ग्राम है वो 263 ग्राम है। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए 2014 से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से 2014 में ये परियोजना चलाई गई। ये ध्यान रखना आपने, प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने के लिए मार्च 2018 से सौभाग्य योजना चलाई जा रही है। अब क्वेश्चन आता है कि सौभाग्य योजना क्या है या किस लिए चलाई जा रही है, या फिर प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? सौभाग्य योजना। यह सौभाग्य योजना कब से चलाई जा रही है? 2018 से, पंडित दीनदयाल 2014 से। वो गांव-गांव बिजली पहुंचाना और ये प्रत्येक घर घर बिजली पहुंचाना। ठीक है, बात करते हैं अपारंपरिक ऊर्जा की। ठीक है, तो अपारंपरिक ऊर्जा में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 में की गई। नवीनीकरण नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, रखा गया था। तो 1000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था इसमें। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, उरेडा की। उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ, ये अभी अपडेट इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो ये इनकी गलती है भाई, ये अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है, जबकि इसको अपडेट हो जाना चाहिए था अभी तक, तो ये अपडेट इन्होंने नहीं किया है, अपडेट ये हो जाना चाहिए था। तो ये अल्मोड़ा इन्होंने दिया है ना, तो अल्मोड़ा नहीं है, ये जो है देहरादून है। ठीक है, इसका देहरादून अब उत्तर होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण और न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों को सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने जो लगाए जाते हैं वो उरेडा के द्वारा ही लगाए जाते हैं। सौर ऊर्जा नीति जो जारी की गई थी 2018 में जारी की गई थी। ठीक है, और संशोधित नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के जो निवासी हैं इनके लिए 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट क्या हैं आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना जो चलाई जा रही है वो 8 अक्टूबर 2020 से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 से ये चलाई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 276 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि जो स्थापनाधीन है वो 283 मेगावाट है। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप, प्रथम तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, ये इसको ध्यान देना, तो ये उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। राज्य में पाइन नीडल और अन्य जो बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन नीति जारी की गई है वो 2018 से जारी की गई है। पिरूल उत्पादन के लिए और निजी क्षेत्र में 2020 तक स्थापित किए जा चुके हैं, छोटे छोटे कुल 6 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार जो है पिरूल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, पिरूल आपको पता ही है गर्मियों में जंगलों में बेहिसाब पिरूल हो जाता है जो किसी काम का नहीं रहता दोस्तों ना, उसमें आग लगती है जिससे जंगलों में नुकसान होता है। अगर उस पिरूल का ये एक चिंता थी कि उस पिरूल का अगर कुछ इस्तेमाल किया जाए तो उससे पेट्रोल बनाने के लिए भी एक बार बातें हो रही थी, तो उससे बिजली बनाने की बातें हो रही हैं, तो उसके लिए सरकार यहाँ पर प्रोत्साहित कर रही है। उसके बाद निजी क्षेत्र के 3, एक लक्सर, इकबालपुर और लिबरेडी, तो चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से किया जा रहा है, तो विद्युत उत्पादन किया जा, गन्ना की जो खोई होती है गन्ना रस निकालने के बाद में जो बच जाता है उससे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। पवन ऊर्जा आधारित, ठीक है, तो टिहरी प्रस्तावित है इसमें, जिसमें 2.4 मेगावाट बिजली होगी। और उसके बाद आपको बता दूं राज्य में जियो थर्मल गर्म जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन जो है ये तपोवन, गंगानी और दारमा आदि में है। चलिए आगे बात करें, अंग्रेजों के पहले से संचालित और केंद्र द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट, ठीक है, देखिए उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट, पंचक्की या वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास की स्थापना किसकी है? इसकी जिम्मेदारी उरेडा की ही, इसकी जिम्मेदारी है घराट पंचक्की वगैरह इसकी सारी की। आर्थिक संक्षिप्ति की बात करें, राज्य गठन जब हुआ था उत्तराखंड बनने से पहले यहाँ पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? ठीक है, तो मनी ऑर्डरी प्रकार की थी, पशुपालन, कृषि, वन, खनन, निर्माण, पर्यटन, इन सारे क्षेत्रों में, ठीक है, ये राज्य अर्थव्यवस्था के आधार हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 2 मई 2001 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 से ये लागू होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये भी आ चुका है प्रश्न, केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया?
2 मई 2001 को दिया गया, लेकिन 1 अप्रैल 2001 से इसको लागू किया गया नए सत्र से। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला 11वां था हिमालयी राज्य। ठीक, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को क्या लाभ मिलता है? केंद्रीय सहायता जो है उसका 90% राज्य की राशि क्या मिलती है, राशि अनुदान में मिलती है, और बाकी शेष यानी कि 10% राशि आपको ऋण के रूप में, लोन के रूप में मिलती है। बाकी के जो जैसे अन्य जो स्टेट होंगे उनमें सामान्य राज्यों को क्या मिलेगा, केवल 70% राशि अनुदान के रूप में मिलती है, बाकी 30% उनको लोन दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 17 संवहनी विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के लिए 18-19 में तैयार किया गया विजन 2030 तैयार किया गया, ध्यान रखना है। उसके बाद ये ग्रीन बोनस, ठीक है, एक अनुदान का नाम है, क्या है, पर्यावरण को पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए ये अनुदान दिया जाता है जिसका नाम है ग्रीन बोनस। राज्य में आधारित संरचनाओं के विकास के लिए PPP मॉडल बनाया गया, ये 2012 से बनाया गया PPP मॉडल। राज्य का प्रथम बजट, ठीक है, अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे रमेश पोखरियाल, ठीक है, 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया गया। तो अंतरिम गवर्नमेंट यानी कि बिना निर्वाचित नहीं थी ना जब गवर्नमेंट बनी, जब 2002 में निर्वाचित हुए तो यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक उस समय वित्त मंत्री थे। तो 1 मई 2001 को इसको प्रस्तुत किया गया। उसके बाद बात करते हैं 2020-21 तक, ठीक है, जब राज्य बना हमारा उत्तराखंड बना उसके बाद भी, उससे लेकर के 2020-21 तक राज्य के कर राजस्व में वृद्धि हुई है, लगभग 56 गुना वृद्धि हो गई है भाई। ठीक है, राज्य में वैट लागू किया गया 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू किया, और वैट लागू करने वाला उत्तराखंड 22वां राज्य बन गया। ठीक है, वैट लागू करने वाला 22वां राज्य बन गया। राज्य में वस्तु और सेवा कर यानी कि GST कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से जैसे कि पूरे देश में हुआ। राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गई 20 अप्रैल 2018 से। सकल कर राज्य प्राप्ति सर्वाधिक योगदान व्यापार कर और वैट का। राज्य आय में के सबसे बड़े कर मद कौन से हैं, GST बिक्री कर, आबकारी स्टंप और निबंधन शुल्क, ऊर्जा पर कर, वाहनों पर कर और खनन, इस प्रकार से ये घटते क्रम में है। ठीक है, उसके बाद राज्य में अभी हाल ही में किस नए कर हेतु विधि का निर्माण किया जा रहा है, तो नए कर के लिए एक विधि बनाई जा रही है, कानून बनाया जा रहा है। तो विद्युत परियोजनाओं के द्वारा जल उपयोग पर कर, तो विद्युत परियोजनाओं द्वारा जल उपयोग पर कर पर नियम बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बता दूँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रचलित भावों पर राज्य अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान। ठीक है, तो आप देख पा रहे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों, 11.54%। ठीक है, तो 2011-12 में कितना था, ये 13.42% था, अब घट गया है। प्राथमिक क्षेत्र आप समझते होंगे, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान आप देखते 40.99% है, ये भी घट गया है। पहले ये कितना था 2011-12 में, कितना था ये 47.65% था, और अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पर और घट गया है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 32.7% था, अभी बढ़ गया है 2021 में 38.69% हो गया। तृतीयक क्षेत्र में क्या आते हैं, सेवा, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग वगैरह ये सारे, और प्रथम क्षेत्र में जो जैसे किसान ने खेती की उसको बेचा उससे जो भी चीज़ें राजस्व आया वो प्राथमिक क्षेत्र में। इस प्रकार से तो यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपका द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये भाव वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाली नहीं है, आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके पास ये नई बुक नहीं है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग है भाई। ठीक है, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग है, और कार्यशील जनसंख्या 38.39% है। ठीक है, और उसके बाद राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया, इंपॉर्टेंट है भाई, 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है, जैसे योजना आयोग पहले हुआ करता था, फिर उसको नीति आयोग में बदल दिया गया, उसी तरीके से राज्य योजना आयोग का गठन किया गया 2001 में, और इसका जो पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है,
कुल रोजगार कार्यालय 23 है यहाँ पर उत्तराखंड में, ठीक। क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में 30 जून 2006 को इसकी स्थापना की जाती है, ठीक। कुल बैंक शाखाएं 1452 हैं इसमें, और राज्य की सभी राष्ट्रीय बैंक शाखाओं में सर्वाधिक शाखाएं जो है वो किसकी, एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं। ग्रामीण बैंक की 287 शाखाएं। देखिए इतनी ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार इनको मोटा मोटी आप लोग देख लेना दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिले कौन कौन से, तो सर्वाधिक बैंक शाखाएं देहरादून में है और सबसे कम बैंक शाखाएं बागेश्वर में है, ठीक है। राज्य के सभी बैंकों का समग्र ऋण जमा अनुपात प्रतिशत 48 है, और राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले, सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात उधम सिंह नगर में, सबसे कम अल्मोड़ा में, ठीक। उसके बाद राज्य में अकाउंटधारी महिलाओं का प्रतिशत 80.2% है, ठीक है। उद्योगों की अगर बात करते हैं तो राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति लागू कब की गई थी, 31 जनवरी 2015 को लागू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। उत्तराखंड में 5 वर्षों के लिए औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई, 1 अप्रैल 2017 से शुरू की गई, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था संचालित है, तो ये 21 दिसंबर 2015 से संचालित चल रही है, ठीक है। कौन उत्तराखंड है, उद्यम एकल खिड़की सुगमता, राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना योजना शुरू की गई है 15 अगस्त 2015 से। पहली बार निवेश सम्मेलन हुआ, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, तो 7 से 8 अक्टूबर 2018 को हुआ था। स्टार्टअप नीति प्रख्यापित कब की गई, 2018 में, 22 फरवरी 2018 को, ठीक है। अगर बात करेंगे राज्य में कुल खादी ग्राम उद्योग इकाइयां कितनी है, 845। राज्य गठन के समय कुल 41 बड़े उद्योग थे, वृहद उद्योग थे, जबकि वर्तमान में कितने हैं, 329 उद्योग हैं। प्रदेश के कारखानों की कुल संख्या 2020-21 3002, ठीक है। अब उसके बाद प्रदेश में हथकरघा बुनकर परिवारों की कुल संख्या, हथकरघा जो बुनकर परिवार हैं वो जो है 12,595, हाँ। छठी जो गणना हुई थी इसके अनुसार राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम हस्तशिल्प उद्योग, सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्योग हरिद्वार, सबसे कम हस्तशिल्प उद्योग टिहरी, ठीक है। चलिए उसके बाद है हथकरघा बुनकर परिवार, प्रदेश में सर्वाधिक जो हथकरघा बुनकर परिवार हैं वो उधम सिंह नगर में हैं। होटल, साहसिक पर्यटन, रोपवे को क्या दिया गया, उद्योग का दर्जा दिया गया है। सभी बृहद उद्योग केवल 5 जिलों में, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जिले में। भारी मशीनरी, दवा, इलेक्ट्रॉनिक, जूता, खाद्य पदार्थ, प्रसंस्करण आदि के उद्योग, ये सभी जो है मैदानी क्षेत्रों में हो सकते हैं, तो ये कहाँ पर है साथियों, ये देहरादून में है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपनी, MSG, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सारे जो बड़े बड़े जो हैं कांच, स्टील आदि के उद्योग, ये कहाँ पर है, हरिद्वार में है, ठीक है, ये हरिद्वार में है। खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, कागज, ऑटो कंपनी, ये सारे उधम सिंह नगर में हैं। और इलेक्ट्रॉनिक, इस्पात, बार निर्माण आदि का उद्योग, ये पौड़ी में है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स से कागज, LPG, बॉटलिंग आदि के उद्योग नैनीताल में है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी इम्पोर्टेंट है, ठीक, तो ये कहाँ पर, हल्द्वानी में, सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी। कुल इनलैंड कंटेनर डिपो, ठीक है, दो हैं, पंतनगर और काशीपुर। बात करेंगे आगे, भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था तो ये किस में होता था, तकलाकोट मंडी, जो पिथौरागढ़ में है, तो वहाँ से होता था। भारत द्वारा विदेशों को किए जाने कुल निर्यात उत्तराखंड में, मतलब निर्यात में उत्तराखंड का भाग, या उत्तराखंड का आप कह सकते हैं स्थान कौन सा, ये मतलब कितना भाग है, कितनी भागीदारी है, 18वां स्थान है और लगभग 0.74% भाग है। आगे बात करेंगे पशु उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, शहद, ये सारी चीज़ें उर्वरक है, रासायनिक उत्पाद हैं, प्लास्टिक है, रबड़ वादी खाल है, लकड़ी वगैरह है, ठीक है। ये सारे उपकरण जो है राज्य से की जाने वाली निर्यातक वस्तुएं हैं, यानी कि राज्य से इनका निर्यात किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल बृहद और मिनी उद्योग आस्थान और औद्योगिक क्षेत्र में जो है 46 औद्योगिक क्षेत्र कितने थे, 46 थे। और उसके बाद बात करेंगे राज्य में औद्योगिक स्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2002 में, ठीक है, कब, 2002 में क्या गठित किया, सिडकुल गठित किया गया था, जिसका नाम है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ठीक है,
तो सिडकुल, इसका इसकी स्थापना इसकी इसको गठित किया गया था। सिडकुल का मुख्यालय कहाँ पर है? आईटी पार्क देहरादून में, ठीक है, ये सिडकुल का मुख्यालय हेडक्वार्टर यहाँ पर को आईटी पार्क देहरादून में। चलिए आगे बात करेंगे, राज्य में सिडकुल द्वारा विकसित किए गए 7 बड़े औद्योगिक स्थान, ठीक है, आपको पता ही है, एकीकृत औद्योगिक स्थान हरिद्वार, पंतनगर जो ऊधम सिंह नगर में है, सितारगंज में है, शेलाकुई देहरादून में है, कोटद्वार में है, ठीक है, आईटी पार्क देहरादून, सिडकुल फेज 2 सितारगंज है, तो ये रहे। आगे बात करेंगे, ये बड़े बड़े उद्योग वगैरह हैं, इनको आप देख सकते हैं। दवा और जड़ी बूटी उद्योग के लिए विकसित किया गया औद्योगिक संस्थान कौन सा? फार्मा सिटी शेलाकुई, तो शेलाकुई आप देख सकते हैं, इससे पहले भी मैंने बात की। और सुगंध पास्ता उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिडकुल के द्वारा 41 एकड़ काशीपुर में विकसित किया जा रहा है एरोमा पार्क, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, एरोमा पार्क कहाँ पर? काशीपुर में, कितने एकड़ में? 41 एकड़ में, किस लिए? सुगंध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और हरिद्वार में 96 एकड़ में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की विकसित किया जा रहा है। एक जो है दूसरा फार्मा सिटी हरिद्वार में ही विकसित किया जा रहा है। एकीकृत औद्योगिक स्थान हरिद्वार में सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक स्थान है ये। और उसके बाद महिला उद्यमिता पार्क है, आप इसको देखिए, ये थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए सिडकुल और सितारगंज फेज 2 में इसको स्थापित किया गया है। राज्य में पारंपरिक उद्योग है, फर्नीचर, कागज, चीनी, वस्त्र, सीमेंट उद्योग आदि। हस्तशिल्प और हथकरघा विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर, ये भी आता है। उसके बाद नए हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन किया जाता है देहरादून में। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित मटेना अल्मोड़ा में, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना देहरादून में। शिल्क पार्क की स्थापना देहरादून, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शिल्क पार्क है देहरादून। हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प ये गरुड़ा माच अल्मोड़ा में। पंचाचोली वुलन अल्मोड़ा में। टेक्सटाइल पार्क काशीपुर जसपुर में, ठीक है, टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित कहाँ पर है? जसपुर काशीपुर। मुंशारी और भीमतल्ला जो चमोली में है, तो वुलन टेक्सटाइल पार्क है। पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क जो है आपको पता ही है दोस्तों, हरिद्वार। हिमालय मेगा फूड पार्क ये महुआखेड़ा काशीपुर ऊधम सिंह नगर, हिमालयन मेगा फूड पार्क है। मिनी फूड पार्क है श्यामला ताल चंपावत, मिनी फूड पार्क है। केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस जो मसाला पार्क है वो सितारगंज ऊधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है। मिनी स्पाइस मसाला पार्क प्रस्तावित सहजपुर देहरादून में भी प्रस्तावित है। शीतोष्ण फलों के उद्यान के लिए वृद्धि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में, ठीक है। और पीतल के कार्यों के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध मरचुला अल्मोड़ा, ठीक है, पीतल कार्यों के लिए मरचुला अल्मोड़ा। रेशम कीट पालन के लिए कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र रेशम सहकारी संघ प्रेम नगर देहरादून में। प्रदेश के शिल्प उद्योगों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है, किस नाम से? हिमाद्री ब्रांड नेम से, इम्पोर्टेंट है। और देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया है उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में। राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम स्थापित किया गया है जिला उद्योग केंद्र देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रदेश में स्थापित 4 MSME शिल्प हाट कहाँ पर हैं? दून और उसके बाद पिथौरागढ़, भीमतल्ला, काशीपुर में, ठीक है। राज्य में कत्था उद्योग हल्द्वानी में हो गया, और बैंत फर्नीचर उद्योग देहरादून में, ठीक है, और फर्नीचर उद्योग जो है ये ऊधम सिंह नगर काशीपुर में। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? सबसे पुरानी ये काशीपुर में है, इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। और उसके बाद भेड़ ऊन की कटाई के लिए प्रसिद्ध है नाकुरी उत्तरकाशी, ठीक है। ऊनी शालों और ताम्र शिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध अल्मोड़ा, ठीक है, और ताम्र शिल्प के लिए ऊनी शालों के लिए। राज्य गठन के समय कुल पेपर मिले कितनी थी यहाँ पर? 5 थी, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी लालगुआ, और उसके बाद लालगुआ स्थित सेंचुरी मिल राज्य की पहली पेपर मिल है, जबकि इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक। उसके बाद ऊधम सिंह नगर जिले के 13 पेपर मिले केंद्रित है काशीपुर जसपुर में। पहली चीनी मिल स्थापित की गई काशीपुर में 1936 में। वर्तमान में राज्य में संचालित चीनी मिलों की कुल संख्या जो है 8 है, जिसमें से 3 सहकारी, 2 सरकारी और 3 निजी।
चीनी मिलों की केवल तीन जिलों में केंद्रित है, उधम सिंह नगर, ठीक है, प्लेन्स में होगा ना, जहाँ गन्ना उत्पन्न ज़्यादा होता है और ये गर्म क्षेत्रों में ही होता है। तीन जो है ये उधम सिंह नगर आपका 4 मील, हरिद्वार में 3 मील और देहरादून में 1 मील। प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी की बात करें तो ये मंगलौर हरिद्वार में है, सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। प्रदेश में केवल जैविक उत्पादों की पहली मंडी बनाई गई है हल्द्वानी में, जैविक उत्पादों की पहली मंडी, ठीक। राज्य में स्थापित कुल डिस्टिलरीज हैं 4, इथेनॉल स्थापित प्लांट बाजपुर में इथेनॉल शराब के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कल्याणकारी योजनाएं या कल्याणकारी संक्षिप्तगी की। तो देखिए ये बाकी जितने भी है ना, ये सारे राज्य स्तरीय चिकित्सालय कितने हैं, स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, अन्य इकाइयाँ औषधालय कितने हैं, यूनानी इंडिया गुड ब्लड बैंक कितने हैं, ये इस तरीके से जो क्वेश्चन है इनको आप देख लीजिए एक बार मोटा मोटा, ठीक है। ये आप याद कर पाओ तो ठीक है, और वरना एक आध बार आपको जरूर देखना ही देखना, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़े फैक्ट्स पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सर्वाधिक आंगनबाड़ी केंद्र हरिद्वार में और सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र चंपावत में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताऊँ, विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड में हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड में हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है क्वेश्चन आ सकता है, तो विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। और कब से चल रही है, 23 मार्च 2017 से ये चल रही है दोस्तों। प्रदेश में क्षय रोग यानी कि टीवी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया, 2024 तक का रखा गया है, यानी कि 2024 तक जो है क्षय रोग को उत्तराखंड से समाप्त कर दिया जाए, ऐसा लक्ष्य रखा गया। राज्य में एससी एसटी के मेधावी छात्र छात्राओं के शिक्षा के लिए संचालित है तो एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन हो रहा है, एससी एसटी के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनकी शिक्षा के लिए। एससी एसटी को विकास कार्यों के लिए आसान शर्तों पर लोन दिया जाता है, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, विकास कार्यों के लिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है 50,000 रुपये। राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है शिल्प ग्राम योजना। राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन किया गया, तो ये इनका गठन किया गया 2012 में दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बताना है कि 18 से लेकर 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को रोजगार जो दिया जाता है, तो स्वरोजगार देने के लिए प्रशिक्षण देने की जो परियोजना चलाई जा रही है उसको किस नाम से चलाया गया है, उसको रहबर नाम से चलाया गया है, रहबर, ठीक है। चलिए, गरीब अल्पसंख्यकों को रोजगार, स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के लिए 2012-13 में चलाई जा रही है, तो 2012-13 से चलाई जा रही है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, ठीक है, तो आयुष्मान योजना जिसमें 5 लाख तक का इलाज जो है दिया जाता है, तो 25 दिसंबर 2018 से इसको चलाया जा रहा है यहाँ पर को, ठीक है, 25 दिसंबर 2018 से। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना, ठीक है, इंदिरा अम्मा 19 नवंबर 2015 से ये चल रहा है। कौशल विकास मिशन, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू किया गया नवंबर 2017 से। मुख्यमंत्री रोजगार और कौशल विकास योजना, युवाओं को रोजगार प्रक ट्रेनिंग देने के लिए इसको शुरू किया गया है 2021 से, जनवरी 2021 से शुरू किया गया। विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि कितनी रखी गई, 3,75,00,000 रुपये। भारत में स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब किया गया, 2 अक्टूबर 2014 से। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया 2015 से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, ठीक है। और उसके बाद राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ठीक है, ये जो है 2020 से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 अप्रैल 2016, खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किया गया उत्तराखंड को, ठीक है, तो 2015 में। धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया था 2018 में, नगर 2018 में। ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया 2019 से, ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। अब बात करते हैं शिक्षा साहित्य भाषा संक्षिप्तकी की। देखिए यहाँ पर आप बात करेंगे राज्य में मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक है, जूनियर बेसिक स्कूल कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जो केंद्रीय विद्यालय है ना, यहाँ पर कुल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो केवल एक जो है केंद्रीय विद्यालय है। राज्य विद्यालय 12 हैं, निजी विद्यालय 11 हैं, डीम्ड विद्यालय, ये पूछा जाता है, कुल डीम्ड विश्वविद्यालय
तो यहाँ पर तीन है, एक तो राजकीय है, दो निजी है यहाँ पर, ठीक है। कुल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक है जो राजकीय है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आयुर्वेदिक कॉलेज दो है साथियों, इंजीनियरिंग कॉलेज 35 है जिसमें 10 सरकारी हैं और 25 निजी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डाइटों की, तो कुल जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जिनको डाइट कहते हैं, तो प्रत्येक जिले में एक डाइट होती है, ठीक है। एक जिले में एक डाइट होती है, तो 13 जिले हैं तो ये 13 डाइटें हैं जहां पर DLED वगैरह वालों का प्रशिक्षण होता है, तो सभी राजकीय हैं, ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, SCERT, ठीक है, ये 2002 में इसकी स्थापना होती है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट का भी देहरादून में है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का देहरादून में, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का रामनगर में, ठीक है। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड 2006 में स्थापना, ये देहरादून। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में, ठीक है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा, ये जो है श्रीनगर पौड़ी में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद, ये रुड़की में है। राज्य गठन से, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक। राज्य गठन से पूर्व राज्य के में कुल विश्वविद्यालय कितने थे, 6 कुल विश्वविद्यालय थे। राज्य और देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में स्थापित किया गया, रुड़की में किया गया था, रुड़की स्थापित, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1949 में रुड़की विश्वविद्यालय, और 21 सितंबर 2001 से इसको IIT बना दिया गया। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है, ये सुद्धो वाला देहरादून में, ठीक, सुद्धो वाला देहरादून। और राज्य और देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, वो पंतनगर आपको पता ही हुआ। उसके बाद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी, कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। और कब की गई, यहाँ पर सवाल उठता है, तो ये 1902 में इसकी स्थापना की गई थी, 1902 में, ठीक है, 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है जो एग्जाम में देखने को मिलता है, राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय, तो पहला डीम्ड विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ही है जो हरिद्वार में स्थापित है। इसकी स्थापना कब हुई आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर 1962 में हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो हेमवती नंदन बहुगुणा जो विश्वविद्यालय है जो श्रीनगर पौड़ी में है, 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीकृत किया गया था। उसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी 2005 से है। आयुर्वेदिक आयुष जो है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय 2009 से कहाँ पर को है दोस्तों, ये हरिद्वार में है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी में है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है डोईवाला देहरादून में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है, राज्य का पहला विधि विश्वविद्यालय है। राज्य का प्रथम सरकारी वास्तविक डिग्री, सॉरी, सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज, ये पैठाणी पौड़ी में, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय जो है ये देहरादून में आप देख सकते हैं यहाँ पर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है, तो ये क्वेश्चन जो है एक बार मैंने देखा था ग्रुप सी के एग्जाम में, तो घुड़दौड़ी पौड़ी में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर पौड़ी में, APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये टनकपुर चंपावत में, ठीक है। उत्कृष्ट अटल नवाचार इनोवेशन अकेडमी कहाँ पर को प्रस्तावित है, ठीक है, ये देहरादून में प्रस्तावित है, उत्कृष्ट अटल नवाचार अकादमी, ठीक। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ये तो जो है कई बार आपने देखा होगा, तो काशीपुर में है, उधम सिंह नगर में, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। एम्स कहाँ पर है, ऋषिकेश, आपको पता ही हुआ। राज्य निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून में, ठीक है, जॉली ग्रांट। उसके बाद राज्य के में संचालित कुल राज्य की मेडिकल कॉलेज की जो है चार हैं, एक श्रीनगर में, हल्द्वानी देहरादून और अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये चार हैं जो राज्य की मेडिकल कॉलेज हैं राज्य के, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राज्य की मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, ठीक है, 2008 में इसको स्थापित किया गया। सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड राजकीय मेडिकल कॉलेज 2010 से जो है कहाँ पर, ये हल्द्वानी नैनीताल में, हल्द्वानी में है। दून राजकीय मेडिकल कॉलेज आपको पता है देहरादून में ही होगा। शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान 2021 से, ठीक है, ये कहाँ पर दोस्तों आपको पता है शोभन सिंह जीना, ये तो अल्मोड़े में है, ठीक है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का निर्माण हो रहा है, तो ये राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में हो रहा है, ठीक है। राज्य में हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए जा रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है कितने हैं,
ठीक है। तो ये तीन कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ पर है दोस्तों आप बता दूँ, पिथौरागढ़ में एक है, हरिद्वार में एक है और रुद्रपुर में एक है, ठीक है। ये तीन है जो निर्माणाधीन है, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो पहला कॉलेज है राज्य का नर्सिंग कॉलेज, ये कहाँ पर है, चंद्रनगर देहरादून में है, ठीक। आगे बात करेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय विश्वविद्यालय कितने हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा 2019-20 का आंकड़े के अनुसार बता रहा हूँ, 48 है यहाँ पर को, और कुल जो नवोदय विद्यालय, राजकीय नवोदय विद्यालय वो 13 हैं दोस्तों। प्रत्येक जो है एक ज़िले में एक राजकीय नवोदय विद्यालय है, ठीक। आगे बात करेंगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, एकमात्र, ठीक है, राज्य का प्रथम और एकमात्र सैनिक स्कूल जो कहाँ पर है दोस्तों, ये घोड़ाखाल में है, ठीक है। घोड़ाखाल में काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस, आपको आपने सुना होगा, 21 मार्च 1966 में इसकी स्थापना हो जाती है। राज्य में दो सैनिक स्कूल प्रस्तावित हैं अभी, ठीक है, एक तो अभी फिलहाल है, ये प्रथम है, एकमात्र है, लेकिन दो और यहाँ पर को क्या हैं, प्रस्तावित हैं, कहाँ कहाँ पर, एक तो देहरादून में है, दूसरा रुद्रपुर में, ठीक। राज्य में चयनित जो है संस्कृत गाँव कौन कौन से हैं, संस्कृत गाँव कौन है, किमोटा है, ठीक है, जो चमोली में है, और भैंतोला जो बागेश्वर में है, ठीक है, ये दो हैं जो चयनित संस्कृत ग्राम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाषा और बोलियों से। देखिए प्रमुख भाषा, प्रमुख भाषा भाषी लोगों का प्रतिशत, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट लोग जो होंगे ना वो हिंदी बोलने वाले, 88.26% जो है हिंदी वाले हैं। इसमें हिंदी के अंदर ही आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली आदि जो कुछ स्थानीय भाषाएँ हैं वो भी इसके अंदर ही सम्मिलित हो जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे उर्दू की, तो यहाँ पर 5.88% लोग जो उर्दू भी बोलते हैं, 2.92% लोग पंजाबी वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बंगाली बोलते हैं, 1.46% लोग उत्तराखंड के, और 1.08% लोग नेपाली, और 0.40% लोग अन्य भाषा बोलते हैं, यानी कि कुल मिला के सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं यहाँ पर को, ठीक। गढ़वाली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, आप देखेंगे श्रीनगरी है, नागपुरिया है, दसौलिया है, बधाणी, राठी, माझ, सलाड़ी और टियरियाली आदि। गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं, खड़ी बोली नगरों में है और जौनसारी देहरादून के जौनसार बाबर जो क्षेत्र है वहां पर को, और भोटिया भाषा गढ़वाल और कुमाऊं के जो उत्तरी उत्तरी भाग है, जैसे उत्तरकाशी का है, पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, चमोली के का क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने बताया था, तो यहाँ पर ये बोली बोली जाए। कुमाऊनी की अगर उपबोलियों की बात करें तो इसमें कुमैया आपको देखने को मिलती है, सौरियाली देखने को मिलती है, उसके बाद असकोटी और खस परजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखियाँ आपको देखने को मिलती है, गंगोई आपको देखने को मिलती है, दनपुरिया, जोहारी और रजभैंसी, ये कुछ जो है कुमाऊनी भोसी की भाषा की जोरी बोलियां हैं। आपको क्या होता है, इनमें से एक दो दे देंगे, तीन दे देंगे तो उसके बाद एक अलग दे देंगे, आपको बोला जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन कुमाऊं की बोली नहीं है, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन वहाँ पर पैदा हो जाती है। एक बार आप इन भाषाओं को जरूर देख लेंगे, अगर क्वालिटी अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, ज़्यादा हाई क्वालिटी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर को कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियाँ कौन कौन सी। देखिए गोरखाली जो नेपाल से जुड़े लोग हैं, ठीक है, नेपाल से लगे क्षेत्र हैं, जैसे धारचूला है तो वहाँ पर आप देखेंगे नेपाली मिश्रित भाषा बोली जाती है, तो गोरखाली। देखिए भावरी भाषा टनकपुर और कश से काशीपुर तक बोली जाती है, मजकुमैया गढ़वाल कुमाऊं सीमा पर बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाएगी कि गढ़वाल कुमाऊं की सीमा पर कौन सी भाषा, कुमाऊनी की कौन सी उपबोलियाँ बोली जाती हैं, तो मजकुमैया आपको बोला जाएगा, ठीक है। वहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं के बीच वाला जो शेरा मजकुमैया, ठीक है ना, यानी कि मझधार वाली जो बीच की है। सौ का आपको पता ही है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में होते, तो पिथौरागढ़ के उत्तर वाले भाग में राजी, पिथौरागढ़, बंदरौत लोग बोलते हैं, ये आपको पता ही है। बोक्साड़ी आपको मैंने बताया था, जो बोक्सा बहुल क्षेत्र है, ठीक है, कुमाऊं के दक्षिण छोर में जहाँ बोक्सा लोग रहते हैं, पंजाबी और बंगाली नैनीताल और उधमसिंह नगर के क्षेत्र में बोलेंगे इसको, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय जो लोक गाथाएं हैं जिनको जागर भी कहते हैं, ठीक है, कौन कौन से, मालूसाही और रमौल जो है ये है, और गढ़वाल और कुमाऊं की पहेलियों को कहा जाता है आणा कहा जाता है, ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा कहे जाते थे कुमाऊं में, जो पहेलियाँ होती हैं तो उनको बोलते हैं आणा। कुमाऊं में लिखित साहित्य शुरू हुआ, ठीक है, तो 1800 ईस्वी के बाद हुआ है लिखित साहित्य कुमाऊं में, ठीक, कुमाऊनी में। और गढ़वाली बोली की प्रथम रचना जो है वो गोरखवाणी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। गोरखवाणी क्या है, गढ़वाली बोली की पहली रचना है, गढ़वाल नरेश सुदर्शन साह के द्वारा ये रचित है, ये ध्यान रखनी है। गढ़वाली बोली की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उसके अंतर्गत अगर बात करेंगे तो उसमें आपका जाएगा बुरो संग, ठीक है, जो हर्षपुरी, और चेतावनी हरिकृष्ण योगदत्त का, और विरह लीलानंद कोटनाला का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाएं थी उनके बारे में बात की दोस्तों। राज्य में रामलीला है, रासलीला है,
ठीक है, और जात जिनको यात्राएं बोलते हैं, होली वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनका भी मतलब वो किया जाता है एक पारंपरिक तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर तो मंचन किया जाता है। तो लोक नाट्य के विविध रूप हैं ये उसी के, ठीक है, लोक नाट्य के विविध रूप हैं, रामलीला है, रासलीला है, जागर, मंडाण वगैरह जो भी लगते हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे सन 1582 के आसपास उषा रागोदिया, ठीक है, उषा रागोदिया और ययाति चरित्र, ठीक है, ये नाम के दो नाटक हैं, इनकी रचना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों रुद्रचंद ने, चंद्र राजा रुद्रचंद देव ने इनकी रचना की थी। आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक जय विजय और भक्त प्रहलाद किसने लिखा? ठीक है, तो ये भवानी प्रसाद थपलियाल ने लिखा था, ठीक, भवानी प्रसाद थपलियाल ने। गढ़वाल में पौराणिक और लौकिक लोक गाथाओं को क्या कहते हैं? आप देखेंगे दोस्तों जो पौराणिक लोक गाथाएं हैं उनको कहते हैं जागर, और जो ऐतिहासिक लोक गाथाएं हैं, लौकिक लोक गाथाएं हैं, उनको पवाड़े कहते हैं, ठीक है, पवाड़े। बात करेंगे कुमाऊनी लोक गाथा मालुशाही को पुरस्कार रूप दिया गया, ठीक है, डॉक्टर उर्वीदत्त उपाध्याय, डॉक्टर रमेश पंत और यमुनादत्त वैष्णव ने। बात करेंगे आपको अच्छा पुस्तककार रूप दिया, यानी कि पुस्तक के रूप में इनको मतलब सजोया, तो ये तीन लोगों ने। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि किसको माना था? लोकरत्न पंत, गुमानी पंत, ठीक है, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि। वैसे ही मैंने आपको जौनसारी के भी बताया था, ठीक, जौनसार के, तो अभी यहाँ पर कुमाऊं के आया है, तो कुमाऊनी के लोकरत्न पंत या गुमानी पंत हुए। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? गंगादत्त उप्रेती। सुमितानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता कौन सी है दोस्तों? बुरोंस, ठीक है, सुमितानंदन पंत की। बात करेंगे प्रमुख पुस्तकों की, तो पुस्तकों से आपको देखने को मिलते हैं प्रश्न दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो ध्यान रखने आपको एक बार जरूर देख लेने हैं। मेंबर्स ऑफ देहरादून, ये GRG विलियम्स की है, और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर से FT एटकिंसन है, ये तो इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में। उसके बाद आपको बता दूं दोस्तों होली हिमालय, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 1905 में प्रकाशित होती है, शेरमन ओकले की ये बुक है, ठीक है, होली हिमालय। गढ़वाल गजेटियर्स HG वॉल्टन, याद रखनी है ये बुक भी। देहरादून का गजेटियर्स 2006 में इसका हिंदी में अनुवाद होता है। ये पूछा जा सकता है कि देहरादून गजेटियर्स का हिंदी में अनुवाद कब हुआ? तो देखिए देहरादून गजेटियर्स से प्रकाश थपलियाल, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स से HG वॉल्टन, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स और गढ़वाल गजेटियर्स ये दोनों जो है HG वॉल्टन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अल्मोड़ा गजेटियर्स भी जो है HG वॉल्टन। हिमालयन ट्रेवल्स ये जोध सिंह नेगी, हिमालयन ट्रेवल्स जोध सिंह नेगी। उसके बाद हिमालयन फोकलोर तारादत्त गैरोला, ठीक है, और हिमालय की यात्रा जो है काका साहब कालेलकर, ठीक है, हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर ने की थी। चलिए बात करेंगे आगे हिमालय परिचय 1, ठीक है, तो आप देखेंगे राहुल सांकृत्यायन, हिमालय परिचय 2, ठीक है, तो ये भी राहुल सांकृत्यायन, एक गढ़वाल और दूसरी कुमाऊं, ठीक है। बात करेंगे सन भी, आप यहाँ पर देख सकते हैं गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पातिराम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में जरूर दे दिया जाता है। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी धर्मपाल सिंह मनराल, ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो भक्त दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मध्य हिमालय का पुरातत्व डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज, याद होगा आपको। गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट की बुक है दोस्तों। रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय दोस्तों भजन सिंह सिंह की है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा डॉक्टर शेखर पाठक की है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल डॉक्टर RS टोलिया की, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ अन्य पुस्तकों के नाम भी, इनको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल डॉक्टर RS टोलिया, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, ठीक है, ये आपका डॉक्टर RS टोलिया। उसके बाद पटवारी घराट और चाय, ठीक है, डॉक्टर RS टोलिया, यहाँ पर RS टोलिया के द्वारा बहुत सारी बुकें लिखी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं, एक बार में ही सारी उनकी बुक के एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, डॉक्टर RS टोलिया जी ने ये भी बुक लिखी है। मध्य हिमालय की भूटिया जनजाति, ये आप ध्यान रखेंगे, ये शेर सिंह पांगती ने लिखी है बुक। उत्तराखंड की विभूतियाँ, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, ठीक है, शक्ति प्रसाद सकलानी ने ये बुक लिखी थी। मध्य हिमालय की कला, यशवंत सिंह कठौच की ये बुक है दोस्तों, ठीक है, मध्य हिमालय की कला। कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन,
किया, ठीक है, गंगादत्त उप्रेती, हिमालय डायलेक्टस ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, गंगादत्त उप्रेती, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, तो गंगादत्त उप्रेती ने ही ये बुक भी लिखी। कुमाऊं की चित्रकला की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर यशोधर मठवाल का नाम आता है। सेंट्रल हिमालय में डॉक्टर एम एस एस रावत ने ये बुक लिखी थी। डिस्कवरिंग राजा जी 2008 में अंजलि रवि और वह पांडे, ठीक है। उसके बाद द बॉय फ्रॉम लंबाटा, तो एन एस थापा। बुक ऑफ नेचर अवर स्ट्रीज स्ट्रीट ग्रो देहरा लैंडलॉर्ड डेज द रूम ऑफ द रूफ। अच्छा, ये बहुत ही, मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। द रूम ऑफ द रूफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द डेड ऑफ इनोसेंस है। उसके बाद है एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइव, इंडियन घोस्ट, लॉन फॉक्स डांसिंग, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं, ये रस्किन बॉन्डे की हैं, ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसमें से एक आध क्वेश्चन में आती ही आती हैं, ठीक है। हाल ही में रूम ऑफ द रूफ आया था, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की है। उसके बाद क्रीड़ापथ उत्तरांचल 2004, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ 2012, ये राजेश मोहन उप्रेती की है। उत्तराखंड संस्कृति, इसका चौथा जो संस्करण अंक 4 आया था 2004 में, यशवंत सिंह कटौज। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, ये तो आपको ध्यान ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र बलौदी की है। और लोनरी फरोज ऑफ द बॉर्डर लैंड, ये कल्याण सिंह पांगती की बुक है। तो कुछ किताबें यहाँ से थी, और भी यहाँ पर को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया था? आचार्य धर्मानंद ने किया भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण, ठीक है, ट्रांसलेशन किया था गढ़वाली में आचार्य धर्मानंद जी ने। गीता का गढ़वाली अनुवाद, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। गढ़वाली अनुवाद पंडित उमादत्त नेथाणी, नंदकिशोर ढौंडियाल और आदित्य राम ने किया था, ठीक है। ये कुछ नाम है जिन्होंने गीता का गढ़वाली में अनुवाद किया था। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश जो है अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, ठीक है, रमाकांत बेंजवाल। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, डॉक्टर गोविंद चातक। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा देखेंगे आप यहाँ पर, अबोध बंधु बहुगुणा। हिमालय के खस दोस्तों, डॉक्टर डी डी शर्मा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ पहले है। हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजजात, भीड़ साक्षी है, स्पर्श गंगा, सपने जो सोने ना दे, प्रलय के बीच 2013 की आपदा पर लिखा था ये, ठीक है। शिखरों से संघर्ष, यह एक उपन्यास है। और कथाएं पहाड़ों की, यह क्या है, एक कहानी संग्रह है साथियों, ठीक है। तो ये किसने लिखे हैं? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लिखे हैं। आप देखेंगे इनमें से इम्पोर्टेंट भी हैं और आते भी हैं। यह भीड़ साक्षी है, नंदा राजजात 2008 में हुई थी, द क्राउन बियर्स बिटनेस, स्पर्श गंगा, सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच 2013 में जब आपदा आई थी उसके बारे में लिखा था। तो रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर निकल कर आते हैं सामने। नंदा जागर, नंदा के जागर 2013, बसंती बिष्ट, आपको पता है बसंती बिष्ट जागर गायिका, प्रसिद्ध जागर गायिका, ठीक है। बसंती बिष्ट एशिया की पीठ पर, प्रोफेसर शेखर पाठक और प्रोफेसर उमा भट्ट, दिल्ली की झलक भाग 1, 2 और 3, ये चिंतामणि पालीवाल ने। कुमाऊं का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि और कुमाऊं का लोक साहित्य, ठीक है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे इसका सही जवाब होने वाला है। गढ़वाल का इतिहास ये भी आपको पता होगा, हरिकृष्ण रतूड़ी ने। ये तो कुछ ऐसे हैं दोस्तों जो आपको याद ही होंगे, शायद आपके पास पड़ी होंगी किताबें। टिहरी का इतिहास है, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। तो आप देखेंगे शिवप्रसाद डबराल, जिनको चारण के उपनाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है। हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट, उत्तराखंड का नवीन इतिहास आपको पता ही होगा, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच, बहुत बार आ चुका है। सोर का अतीत की बात करेंगे आप यहाँ पर, सोर का अतीत तो डॉक्टर राम सिंह ने। और हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल की बात अजय रावत जी ने, ठीक है, डॉक्टर अजय रावत, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड 2004, ये चौहान जी ने। और उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, केदार सिंह फोनिया ने। उत्तराखंड जनजागरण, ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर उत्तराखंड जनजागरण और आंदोलन का इतिहास, योगेश धस्माना, ठीक है। उसके बाद जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग, डॉक्टर गायत्री प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र नोटियाल ने। बात करेंगे आगे कुछ अन्य और हैं, तो मसूरी मेंडले जो आता है यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आता है मसूरी मेंडले, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोफेसर गणेश सैली ने, ठीक है, प्रोफेसर गणेश सैली ने, भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति, विकास एवं संरक्षण, ये आप देखेंगे, मदन स्वरूप सिंह और डॉक्टर दिनेश प्रताप। उसके बाद
विरासतों की खोज, ठीक है, हेमचंद सगलानी, उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास इंपॉर्टेंट आता है, जयसिंह रावत, जौनसार बाबर, ऐतिहासिक संदर्भ टीकाराम शाह, युद्ध की प्रकृति, ठीक है, युद्ध की प्रकृति लेफ्टिनेंट जनरल एच बी काला ने लिखी थी, युद्ध की प्रकृति, विरासत की यात्राएं हेमचंद सगलानी, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, ठीक है, उत्तराखंड को जयसिंह रावत ने लिखी थी, उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य देव सिंह पोखरियाल, डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल, उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय 2017 में, ये है हरीश लखेड़ा, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे कुछ पत्रिकाओं की जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड दर्शन देहरादून से प्रकाशित होती थी, कहाँ से, देहरादून से प्रकाशित होती थी, जो एक मासिक पत्रिका थी, पर्वत जन भी कहाँ से, देहरादून से। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि निम्न पत्र, ये मतलब जैसे पर्वतजन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, या ये किस प्रकार की थी, मासिक थी, पाक्षिक थी, साप्ताहिक थी या दैनिक थी, ठीक है। तो देखें उत्तराखंड दर्शन देहरादून से ये मासिक थी, पर्वतजन देहरादून से ये भी मासिक थी, ठीक है, और उसके बाद युगवाणी देहरादून से ये भी मासिक थी। अब देखिए उत्तराखंड दर्शन अगर आप करेंगे तो आप रोज़ रोज़ तो दर्शन के लिए जाएंगे नहीं ना, तो महीने में एक बार चलो संभव है, तो इस तरीके से ट्रिक बना के याद करेंगे, उत्तराखंड के दर्शन आप महीने में एक बार करते हैं। पर्वतजन पर्वतों पर भी रोज़ रोज़ नहीं चढ़ा जाएगा, तो पर्वत पर जाने के लिए भी आप महीने में एक बार जा सकते हैं। युगवाणी, ठीक है, तो युगवाणी वैसे ही युगो युगों की बात हो रही है, तो ये रोज़ रोज़ नहीं होगी, ये भी महीने में एक बार। उसके बाद धाद, ये भी देहरादून से होती थी, ये अनियमित थी, ठीक है, कभी भी आ जाती थी। पहाड़ जो है नैनीताल से, इम्पोर्टेंट है, आ चुकी है, ये वार्षिक है दोस्तों, ठीक है, पहाड़। उसके बाद उत्तरा जो है नैनीताल से, ये भी ये त्रैमासिक थी, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से त्रैमासिक। मध्य हिमालय जो है कहाँ से था, कहाँ से प्रकाशित होता था, पिथौरागढ़ से, ये मासिक पत्र का पत्र था। उसके बाद बात करेंगे पूर्वासी की, तो ये अल्मोड़ा से, ये वार्षिक पत्र था। और उत्तराखंड संस्कृति, ये पौड़ी से प्रकाशित होता था दोस्तों, ये वार्षिक था। राष्ट्रीय ज्वाला जो है दुगड्डा पौड़ी से होता था, ये त्रैमासिक पत्रिका थी, और अंतरज्वाला दुगड्डा पौड़ी से ही होती थी, ये मासिक पत्रिका थी। उसके बाद बात करते हैं कुछ स्वतंत्रता से पूर्व के जो प्रमुख पत्र थे उनकी बात करते हैं। राज्य का जो पहला समाचार पत्र था मसूरी से अंग्रेजी में निकला था 1842 में, ठीक है, इसका नाम क्या था, द हिल्स था दोस्तों। इसके संपादक का नाम क्या था, डॉक्टर सॉरी जॉन मैकिनन, ठीक है, जॉन मैकिनन इसका नाम था, और ये एक पाक्षिक पत्र था, ठीक है, मसूरी से निकलता था। राज्य के लोगों के द्वारा पत्रकारिता का शुभारंभ जो हुआ वो 1868 में हुआ था, ऊधम सिंह नगर में एक स्थान है, आपको पता होगा जसपुर, तो जसपुर से ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था, ठीक है, समय विनोद के साथ होता है, और ये पत्र जो है 1878 तक ही प्रकाशित हो पाया था दोस्तों। उसके बाद अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब के द्वारा 1871 से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है साप्ताहिक प्रकाशन शुरू होता है, और ये 1871 से लेकर के 1813 तक इसके जो एडिटर रहे थे उनमें बुद्धि बल्लभ पंत, लीलानंद जोशी, सदानंद सन्वाल, विष्णुदास जोशी, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जो 1871 से लेकर 1813 तक रहे थे। उसके बाद आपको बता दूं ये क्वेश्चन हाल ही में कैसे आया था, इसमें तीन लोगों के नाम दिए थे, एक का नाम अलग दिया था, तो इसमें बताया था कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक निम्न में से कौन व्यक्ति नहीं रहे, ठीक है, वहाँ पर देखने में सारे बिल्कुल सेम लग रहे थे, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, तो 1913 से लेकर 1918 तक इसका संपादन जो किया था वो किया था बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है, और जब 1918 में इस अखबार को बंद कर दिया गया था दोस्तों, इसको बैन कर दिया गया था, ठीक है, तो 1918 में इसको बंद कर दिया, तो बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया, 1918 में अल्मोड़ा से ही शक्ति साप्ताहिक नामक एक पत्र शुरू कर दिया, मतलब शक्ति नाम से जो क्या था साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, तो शक्ति नाम से शुरू कर दिया, जो आज भी जारी है, आज भी देखने को मिलता है। 1930 से विक्टर मोहन जोशी के द्वारा स्वाधीन प्रजा, विक्टर मोहन जोशी ने स्वाधीन प्रजा, 1934 से मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में समता, और 1939 से शोभन सिंह जीना के द्वारा पताका का प्रकाशन किया गया, ये सभी साप्ताहिक थे और अल्मोड़ा से ही निकलते थे, ये ध्यान रखने हैं आपने, अल्मोड़ा से निकलते थे 1930, 34, 39 और इस प्रकार से। 1902 में दुगड्डा से गढ़वाल समाचार का प्रकाशन होता है, ठीक है, दुगड्डा से
कहाँ से? दुगड्डा से। किसका? गढ़वाल समाचार का। और इसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी थे, ठीक है, संपादक एडिटर। 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1905 में देहरादून से गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू होता है। कब हुआ? गढ़वाली का जो गढ़वाली एक मासिक पत्र था और इसका प्रकाशन जो है 1905 में हुआ। कहाँ से हुआ था? देहरादून से होता है, ठीक है। इसके जो पहले संपादक थे वो भी कौन थे? गढ़वाल गिरिजादत्त नैथानी थे। और गढ़वाल समाचार के भी गिरिजादत्त नैथानी थे। वो दुगड्डा से हुआ था, ये देहरादून से हुआ था। वो 1902 में हुआ था, ये 1905 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। बाद में ये है भी क्या हो गया, एक साप्ताहिक पत्र के रूप में सामने आया। 1912 में इसका संपादन विश्वंबर दत्त चंदोला ने किया। दोस्तों जब रवाई कांड हुआ था तो रवाई कांड का समाचार छापने के कारण चंदोला को क्या हुआ था? जेल जाना पड़ा था। रवाई कांड इन्होंने इस पेपर में छापा था उसके बारे में, तो इनको जेल जाना पड़ा था। गढ़वाली भाषा का जो पहला पत्र है जिसका नाम है विशाल कीर्ति थी, और जो कि कहाँ से, जो कि पौड़ी से 1913 से 1917 तक सदानंद कुकरेती के संपादन में निकला था। राज्य में प्रकाशित जो पहला दैनिक पत्र था उसका नाम था पर्वती, ठीक है, उसका नाम क्या था? पर्वती था उसका नाम, जो राज्य में पहला दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ था। कुछ संस्थानों की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो प्रमुख केंद्रीय संस्थान और संगठनों की बात करें तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, देखेंगे आप ये कहाँ पर है, कटारमल अल्मोड़ा में है। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर है? ये रामनगर नैनीताल में है। राष्ट्रीय पादप और जैविकी अनुसंधान ब्यूरो, ये निकलाट नैनीताल में है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं, ठीक है, ये वाला भी आता है, ये भी आता है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, ये भी आया हुआ है, श्रीनगर पौड़ी में उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सी मैप जिसको बोलते हैं, ये पंतनगर उधम सिंह नगर में है, और ये इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सी मैप, ये बैजनाथ बागेश्वर में भी है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, ये वेटनरी जो है ना, वेटनरी ये मुक्तेश्वर नैनीताल में है, ये ध्यान रखना आपने, 1893 से है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च, ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। उसके बाद ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, ये रानीखेत अल्मोड़ा में है साथियों, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, ठीक है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये भी रुड़की में है। उसके बाद इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी कहाँ पर है? रुड़की में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये डोईवाला देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता भी होगा, लेकिन इसके सन भी आप देख लेंगे एक बार, ठीक है, तो ये देहरादून में। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर? ये भी देहरादून में ही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये हाल ही में एक एग्जाम में आया हुआ था, तो ये देहरादून में है, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 में इसकी स्थापना हो जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये तो सभी को पता होगा, देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, ठीक है, ये श्रीनगर पौड़ी में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज, आपको पता ही होगा एरीज नैनीताल है, ठीक है, एरीज नैनीताल में। बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? टिहरी में, ठीक है, हाइड्रो पावर टिहरी में है। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर? देहरादून में है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है, ये देहरादून। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ठीक है, देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान, अब देहरादून के अंतर्गत देखिए कितनी चीज़ें, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी, इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये भी देहरादून में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र, ठीक है, ये भी देहरादून में, इतने सारे देहरादून में। बात करेंगे उसके बाद टरार अनुसंधान संस्थान की, तो ये टरार जो है ये कहाँ पर है साथियों? ये भीमताल में है, जो नैनीताल के अंतर्गत आता है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1924 से ये अल्मोड़ा में है। हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये श्रीनगर में है, पौड़ी में, ठीक।
हिमालय नक्षत्र वेधशाला की बात करेंगे तो ये देवप्रयाग में है, इम्पोर्टेंट है ये भी। बात करेंगे राज्य स्तरीय संस्थान के संगठनों की तो बहुत इम्पोर्टेंट आपको पता ही होगा, लोक सेवा आयोग अप्रैल 2001 में स्थापित होता है तो ये हरिद्वार में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष समेत यहाँ पर 4 सदस्य हैं, ठीक है, 4 सदस्यीय एक आयोग है ये, लोक सेवा आयोग उत्तराखंड, लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार में है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग UK SSC जिसको आप बोलते हैं सी, ठीक है, तो 17 सितंबर 2014 को इसकी स्थापना होती है। ये कहाँ पर, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर देहरादून में है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी 1988, तो ये नैनीताल में, ठीक है, तो RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी कहाँ पर है, नैनीताल में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में दोस्तों, ठीक है, मसूरी में है ये तो आपको पता ही होगा, मसूरी में जहाँ पर को जाना सपना होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी की तो वो नरेंद्र नगर टिहरी में। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, ठीक है, ग्राम विकास रुद्रपुर उधमसिंह नगर। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी ये हल्द्वानी नैनीताल में। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान देहरादून में है। राज्य अभिलेखागार देहरादून में। राजकीय वैधशाला मनोरा पीक नैनीताल में है। ये वैधशाला वाला हाल ही में क्वेश्चन आया था तो ये भी ध्यान रखना है। राजकीय प्रेस कहाँ पर है, रुड़की में। विधानसभा और उच्च न्यायालय परिसर में इसकी 2 शाखाएँ भी हैं, 2 अन्य ब्रांच भी हैं इसकी। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान ये गौचर चमोली में है, ठीक है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली में कब से है, 2016 से। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकेडमी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ये भी कहाँ पर है, देहरादून में है। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम 2005 में स्थापना होती है, जयराम आश्रम हरिद्वार में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर ये देवप्रयाग में है। उर्दू फारसी अकेडमी कलियर शरीफ हरिद्वार में। पंजाबी अकेडमी देहरादून में। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज है ये कुमाऊं विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज जो है हल्द्वानी नैनीताल में है। राज्य औषधि पादप बोर्ड है, ठीक है, 2001 में स्थापना होती है, ये देहरादून में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, ये गोपेश्वर है दोस्तों, मंडल गोपेश्वर में, ठीक है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान 1989 में इसकी स्थापना हुई। जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान मंडल की शाखा जो है ये उत्तरकाशी में खोली गई, कब, 2020 में खोली गई। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल की एक अन्य शाखा 2020 में ही पिथौरागढ़ में भी खोली गई एक ब्रांच है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 12 फरवरी 2004 से अल्मोड़ा में है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। सगंध पौधा केंद्र, ठीक है, सगंध पादप केंद्र जो है ये सेलाकुई देहरादून, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। प्रथम मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई देहरादून में। द्वितीय मानसिक रोग संस्थान, ठीक है, तो ये निर्माणाधीन है रुद्रपुर में। राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। राज्य औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला ये डांडा लाखौड़ देहरादून में है दोस्तों, 2022 में इसकी स्थापना हुई। यूके राज्य औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला आयुर्वेदिक ऋषिकेश ऋषिकुल हरिद्वार में है। उसके बाद बात करेंगे आप यहाँ पर महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र की तो ये देहरादून में है, ठीक। उत्तराखंड जल संस्थान मुख्यालय जल भवन देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जिसको बोलते हैं आप, हम बात कर चुके हैं, ये ऋषिकेश में। गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर। गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार जो प्रस्तावित है। गन्ना कृषि अनुसंधान केंद्र सुई चंपावत में, ठीक है। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए गौ विज्ञान की, ठीक है ना, गौ से गाय आ रहे पशुलोक, तो पशुलोक ऋषिकेश, इस तरीके से ट्रिक बनानी है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है, ये नैनीताल में इसका मुख्यालय है। गढ़वाल मंडल विकास निगम का पौड़ी में है, ठीक है। तो KMOU और GMOU का देखिए आप। हिल्ट्रॉन नैनीताल। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भवाली। गेठिया TB सेनेटोरियम ये भवाली, गेठिया भवाली में है, ठीक। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। हाँ, एक है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम तो उधम सिंह नगर में है, ठीक है। उसके बाद हाँ, राजकीय विधि कॉलेज ये आता है एग्जाम में, ये भी बहुत बार आया हुआ है। राजकीय विधि कॉलेज ये गोपेश्वर चमोली में है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकेडमी ये भवाली में है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है इसका निर्माण किया जा रहा है,
निर्माणाधीन है, ये हल्द्वानी में है। बात करेंगे सैन्य संस्थानों की या सैन्य संगठनों की, भारतीय सैन्य विश्वविद्यालय, ठीक है, 1932 से जो है ये देहरादून में है, आपको पता ही है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ये कहाँ, देहरादून में। भारतीय सैन्य अकेडमी, ये देहरादून में। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आगरा में अक्टूबर 1945 में हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय जो है अभी वर्तमान में रानीखेत अल्मोड़ा में है, कब से, मई 1948 से। गढ़वाल राइफल्स का गठन अल्मोड़ा में हुआ 5 मई 1887 को। नवंबर 1887 से गढ़वाल राइफल का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, लैंसडाउन में है दोस्तों, जो पौड़ी के अंदर आता है। 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन कहाँ पर होता है, अल्मोड़ा में होता है। अगर पूछा जाता है आपसे कि इसका गठन कब हुआ, तो 1918 में इसका गठन होता है। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन देहरादून में हुआ। रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में। और खेल संस्थान या संगठनों की अगर बात करते हैं आप, तो प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैं, ठीक है, इसमें 25 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हैं, 4 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल हैं, 17 इंडोर क्रीड़ा हॉल और खेल विभाग के 14 आवासीय छात्रावास हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो कुल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कितने हैं उत्तराखंड में, 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैं। बात करेंगे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की, जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो इसकी स्थापना होती 14 नवंबर 1965 को। अब पूछा जाएगा कहाँ हुई, तो उत्तरकाशी में। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना नैनीताल में। ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान जो है, तो ये औली चमोली में है, औली नामक स्थान आपको पता है जहाँ पर स्कीइंग होती है, तो ये स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान चमोली में ही है, औली में। पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र, ये मुंशारी पिथौरागढ़। एडवेंचर लवर्स, ठीक है, ये पिथौरागढ़। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पिथौरागढ़। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून। फुटबॉल एकेडमी देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम 2016 में इसका निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ था, हल्द्वानी नैनीताल में है, गोलापार में, ठीक। जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल एकेडमी, ये कोटी टिहरी में। रोशनबाग हॉकी स्टेडियम में हरिद्वार में है। साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, इसका निर्माण हो रहा है अभी और निर्माणाधीन स्थिति में है, तो शिवपुरी टिहरी में है। रांची स्टेडियम, ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, ये पौड़ी में है रांची स्टेडियम, ठीक है, इसके बारे में एक आध फैक्ट अगर आपको पता है कमेंट करके आप बता सकते हैं। महासंग्रहालय संस्थान या संगठनों की हम बात करें, तो खलंगा वॉर मेमोरियल गोरखा सैनिकों को समर्पित है, अंग्रेजों के द्वारा ये निर्मित किया गया था, सहस्त्रधारा रोड देहरादून में। गढ़वाली सैन्य संग्रहालय लैंसडाउन में, कब इसकी स्थापना होती है, 1888 में इसकी स्थापना होती है। बात करेंगे नेक्स्ट गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल की, तो गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल कहाँ पर है साथियों, 1925 से चंबा टिहरी में है, ठीक है। उसके बाद दरबान सिंह संग्रहालय म्यूजियम की बात करेंगे आप, लैंसडाउन पौड़ी में है। वन संग्रहालय सबसे पुराना जो है ये 1914 में इसकी स्थापना हुई, तो ये देहरादून में है वन संग्रहालय, बहुत बार पूछा जाता है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ये तो पता ही होगा, अल्मोड़ा। जिम कॉर्बेट म्यूजियम काला ढूंगी, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, ये कहाँ पर है, देहरादून में। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल। मौलाराम चित्र संग्रहालय, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा हमेशा, तो ये श्रीनगर पौड़ी में है। हिमालयी संस्कृति संग्रहालय ऋषिकेश में। हिमालय पुरातत्व और नरवंशी संग्रहालय कहाँ पर है, श्रीनगर में, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करेंगे जड़ी बूटी संग्रहालय 2014 से पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, ठीक है, जड़ी बूटी संग्रहालय 2000। हर्बल म्यूजियम एंड हर्बोरियम, ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है, मंडल गोपेश्वर चंबोली में। विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र 2018 से भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। फॉकलैंड म्यूजियम कहाँ पर निर्माणाधीन है, मानिला सल्ट में, ठीक है, फॉकलैंड फॉक गॉड, ठीक है, सॉरी, तो ये लोक देवता इसका मतलब मीनिंग है, तो ये मानिला में है। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम की बात करेंगे, तो ये मुंशियारी पिथौरागढ़ में है। और रंग संग्रहालय है, तो धारचूला पिथौरागढ़। रंग जो संप्रदाय, रंग समाज के जो लोग हैं, पिथौरागढ़ में ही हैं, तो आप देखेंगे धारचूला पिथौरागढ़। शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वती लोक संग्रहालय, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग में है, बेंजी में, ठीक है। चलिए उसके बाद तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी गंगोत्री में है दोस्तों। आप आगे देखेंगे आप प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ संगठनों की अगर बात करें,
तो राज्य में कुल जो गैर सरकारी संगठन है जिनको एनजीओ आप बोलते हैं या स्वयंसेवी संगठन है, तो वो सितंबर 2017 से बात करें, 17 की बात करें तो 15,625 इस समय है सर्वाधिक। और सबसे कम एनजीओ वाले जो ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा जो एनजीओ हैं वो देहरादून में हैं, सबसे कम एनजीओ कहाँ पर है, बागेश्वर में है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम खुशहाल बच्चा परिवार और समाज के उद्देश्य से केरल से आए स्वामी मन्मथ के द्वारा 1977 में इसकी स्थापना की गई। तो ये कहाँ पर की गई, अंजनी सेन टिहरी में की गई, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंजनी सेन टिहरी में किसके द्वारा की गई, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये किसके द्वारा की गई थी, स्वामी मन्मथ के द्वारा की गई थी, ठीक है, स्वामी मन्मथ द्वारा। हिमालयन वन्यजीव संस्थान कल्याण सिंह रावत, जिनको मैथी के नाम से भी आप जानते हैं, और मानव उत्थान सेवा समिति सतपाल महाराज, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट देहरादून स्वामी राम, ठीक है, और गायत्री शक्तिपीठ आचार्य श्री राम शर्मा, टमटा सुधार सभा 1905 में, बाद में ये जो है शिल्पकार सभा के नाम से इसको परिवर्तित हो गया था शिल्पकार सभा में, तो ये मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने इसकी स्थापना की थी। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और योग वेदांत फॉरेस्ट अकेडमी ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद ने। डालियो का दगड़िया, तो चिपको आंदोलन को गति देने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट ने चलाया था। पहाड़ शेखर पाठक, ठीक है, आगे बात करेंगे संबंध, तो ये देहरादून से सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालयन आवासीय शिक्षा दे कैंपटी फॉल, ठीक है, चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ज़्यादा तो कुछ नहीं। अब हम प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं जो उत्तराखंड में प्रमुख व्यक्तित्व हैं, ठीक है, और किसी के उपनाम किसी को किसी तरीके से जाना जाता होगा, उत्तराखंड के इतिहास में उनका विशेष स्थान है, महत्व है, उनके बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किनको प्राप्त है, दोस्तों कालू मेहरा को, ठीक। तो 1857 में कौन सा संगठन इन्होंने बनाया था, क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था कालू मेहरा ने 1857 में। कुली उतार है, कुली बेगार हो, तो इस प्रकार के जो आंदोलन थे इनका सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को एक पदवी दी गई थी, तो वो किस नाम से जाने गए, इस वजह से कूर्मांचल केसरी के नाम से जाने गए। कुमाऊं का इतिहास जो है, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने जब वो जेल में थे तो अपने जेल में के प्रवास के दौरान उन्होंने क्या लिखा था, कुमाऊं का इतिहास लिखा था। कुमाऊं के ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था, तो वो हरगोविंद पंत जी ने तोड़ा था 1928 में, ठीक है, कुमाऊं के ब्राह्मणों के हल नहीं चलाने वाली जो प्रथा थी, तो उन्होंने इस प्रथा को तोड़ दिया था, खुद पंडित थे, उन्होंने हल जोता था, हल चलाया था, तो ये प्रथा तोड़ी थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसको कहा जाता है, आप ध्यान से सोचेंगे तो इस बात को आपको सीधे सीधे उत्तर मिल जाएगा, हर गोविंद पंत को ही अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं और ये तो कई बार आ चुके हैं। दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किसने किया, दोस्तों खुशीराम आर्य ने, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध हैं, बलदेव सिंह आर्य जो है लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध हैं। गोविंद वल्लभ पंत को नेहरू जी क्या कहते थे, इनको हिमालयी पुत्र, ठीक है, सीधे सीधे आता है, हिमालयी पुत्र के नाम से किनको जाना जाता है, तो गोविंद वल्लभ पंत जी को जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत के साथी लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते थे साथियों, तो गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र कहकर उनको संबोधित करते थे, बुलाते थे उनके साथी। गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब कब रहे थे, ठीक है, 1946 से लेकर 1954 के अंत तक ये उत्तर प्रदेश के यूपी के CM रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। गोविंद वल्लभ पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना की थी, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी, जीबी पंत ने की थी, और कब की थी और कहाँ की थी, ठीक है, 1914 में की थी और काशीपुर में की थी। 1916 में गोविंद वल्लभ पंत जी ने किस संगठन के गठन में अहम भूमिका निभाई, तो कुमाऊं परिषद के गठन में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जीबी पंत को क्या किया था, नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है, अब इनको नज़रबंद किस किले में या कौन से स्थान पर किया गया था, तो दोस्तों वो अहमदनगर का किला था जहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत को क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया गया था,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्री भी रहे भारत के, तो गृह मंत्री ये कब रहे थे? 10 जनवरी 1955 से लेकर के इनकी मृत्यु होती है 7 मार्च 1961 को, तब तक अपने मृत्यु पर्यंत ये क्या रहे? गृह मंत्री रहे भारत के। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न भी मिला था, तो भारत रत्न कब मिला साथियों इनको? 26 जनवरी 1957 को, ठीक है, 26 जनवरी 1957 को इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए बात करेंगे 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, तो ये हर्षदेव ओली ने किया था कुमाऊं का प्रतिनिधित्व। लाहौर अधिवेशन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था 1929 में, कुमाऊं का प्रतिनिधित्व हर्षदेव ओली ने किया था। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये प्रयाग दत्त पंत को जाता है। उत्तराखंड में गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक के लेखक इंद्रेश सिंह नयाल, ठीक है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इंपॉर्टेंट है। तो ये मोहन सिंह मेहता हैं, ये कनिष्ठ सहायक जो हाल में पेपर हुआ था जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आया है, उसमें ये क्वेश्चन आया था साथियों, ठीक है। तो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे तो भवानी सिंह रावत थे दोस्तों, वही भवानी सिंह रावत ही क्या करते, चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ के जंगलों में लाए थे और प्रैक्टिस की थी उन लोगों ने यहाँ पर। दोगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई? भवानी सिंह रावत ने। राय बहादुर की पदवी शोभन सिंह जीना को दी थी, किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी राय बहादुर की पदवी शोभन सिंह जीना को। किसने अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द को हटा दिया था और 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था? तो डॉक्टर भक्त दर्शन थे जिन्होंने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा लिया था और 1921 में इन्होंने एक कसम ली थी कि मैं जीवन भर खादी वस्त्र ही पहनूंगा। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ हो या सुमन स्मृति ग्रंथ है और बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ है, तो इनकी रचना किसने की थी? डॉक्टर भक्त दर्शन ने ही इनकी रचना की थी। किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम ऐसी गंगा को काट देंगे? अब देखिए कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात इन्होंने कही थी, तो ये एक ही व्यक्ति कह सकते साथियों, ये श्रीदेव सुमन जी, ठीक है, इन्होंने कहा था। 1939 में देहरादून में टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो वो भी कौन व्यक्ति थे? श्रीदेव सुमन ही थे। किसने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते? ये भी श्रीदेव सुमन ने ही कहा था साथियों, ठीक है। उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था, तो ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने किया था, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से एक पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमवती नंदन ने किस पार्टी का गठन किया? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का, ठीक है, तो हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो वो कब से कब तक रहे थे? नवंबर 1973 से लेके नवंबर 1975, यानी कि 2 साल ये मुख्यमंत्री रहे, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। टिहरी के शाह नरेशों का पारंपरिक उपाधि जो थी वो बोलांदा बद्रीश, ठीक। उसके बाद बात करेंगे विकास पुरुष के नाम से आप जानते हो नारायण दत्त तिवारी को, तो ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? इनका जो मूल पैतृक गांव था वो कहाँ था? बल्यूटा गांव हल्द्वानी, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे ये, ठीक है, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, 3 बार ये वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आंध्र प्रदेश के ये क्या रहे? गवर्नर भी रहे। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी, ठीक है, आपने सुना होगा गुमानी जी का नाम, तो इनका मूल नाम क्या था? लोकनाथ या लोकरत्न पंत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आता रहेगा। किसे जो है गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह विश्वंभर दत्त चंदोला को कहा जाता है। राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बारामिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था? तो वो है मुकुंदराम बड़थवाल, ठीक, मुकुंदराम बड़थवाल जिनको दैवज्ञ के उपनाम से आप जानते हैं। इन्होंने कितने ज्योतिष श्लोकों की रचना की थी?
ठीक है, 1,00,000 से अधिक ज्योतिष लोगों की रचना की थी मुकुंद राम बर्थवाल दैवज्ञ ने। गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीत काव्य कौन सा है, तो वो प्रेमी पथिक है साथियों। 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशित पत्र कर्मभूमि के संपादक भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन थे, हालांकि ये हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं इला चंद्र जोशी मुख्यतः किस प्रकार के औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक, मनोवैज्ञानिक। सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भूले आदि कुछ उपन्यास हैं, तो इनकी रचना भी किसने की थी, इला चंद्र जोशी ने ही की थी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इला चंद्र जोशी किस प्रकार के, मनोवैज्ञानिक प्रकार के। साहित्यकार गोविंद वल्लभ पंत किस विधा के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, ये नाटक और उपन्यास के लिए। गोविंद वल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त है जो नाटक है कोहिनूर का लुटेरा। ठीक है, कोहिनूर का लुटेरा ये जो है इनकी सबसे ज़्यादा जो ख्याति प्राप्त, आज की भाषा में अगर कहें तो जो सबसे वायरल था वो कौन सा, कोहिनूर का लुटेरा नाटक। छायावादी और प्रकृति के कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कौसानी में, आपको पता ही है। ठीक है, इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त या घुसे इनका बचपन का नाम था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसके सुझाव पर किया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के ही सुझाव पर किया गया। पंत जी को 1961 में पद्म भूषण मिला, 1968 में इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन यह पुरस्कार इनको किस चीज़ के लिए मिला था, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये चिदंबरा के लिए मिला दोस्तों इनको। ठीक है, इनकी कृति है एक चिदंबरा, जो 1968 में इनको ये पुरस्कार दिया गया इसके लिए। हिंदी विषय को लेकर के डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, अब देखिए हिंदी की जहाँ पर बात आ जाएगी ना, तो वहाँ पर आप पीताम्बर दत्त बर्थवाल को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी विषय को लेकर के डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। बर्थवाल ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। ठीक है, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, तो ये भी एक क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध रचनाकार कौन थे, गोविंद प्रसाद नौटियाल। ठीक, यमुना के बागी बेटे और भीम अकेला, झुंड से बिछुड़ा, उत्तर बायां है, मूक बलिदान, बहुत इंपॉर्टेंट, मूक बलिदान, भैंस का कटिया, मोहन गाता जा। ठीक है, ये कुछ आत्मकथाएं जैसी रचनाएं देने वाले और टिहरी रासाई के खिलाफ संघर्ष करने वाले कौन थे, तो उनका नाम था विद्यासागर नौटियाल। ठीक, अब आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है, भजन सिंह की। ठीक है, ये तो हम कृति और ये लेखकों के हम तो बात कर चुके हैं साथियों, तो यहाँ से जितने भी थे हम पहले किस ने कौन सी पत्रिका लिखी है, किसका प्रकाशन कब हुआ, ये हम पहले बात कर चुके हैं, तो इस पर हम और ज़्यादा डिस्कस भी यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ी एक आध चीज़ जो अलग चीज़ है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे यहाँ पर डोला पालकी जैसी कुप्रथा को समाप्त कराने में किस समाज सुधारक ने विशेष भूमिका निभाई थी, तो डोला पालकी आंदोलन जयानंद भारती, कई बार आपने ये पढ़ा होगा। उसके बाद दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने के लिए किसने विशेष भूमिका निभाई थी, तो ये मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने विशेष भूमिका निभाई थी इसमें। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। टमटा सुधारिणी सभा को बाद में शिल्पकार सभा नाम दे दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, किसने की थी, हरिप्रसाद टमटा जी ने ही की थी। उसके बाद ये जो इन्होंने समता नामक चलाया था, ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। राय बहादुर की उपाधि किसको मिली है, ये भी हम जो है, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी के शुरू में वन व्यवसायी घनानंद खंडूरी के द्वारा अपने धन से, अपने पैसे से विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक है, और धर्मशालाएँ बनाई गई, तो इस कारण से अंग्रेजों ने इनको किस सम्मान से सम्मानित किया, राय बहादुर की सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, किसको, घनानंद खंडूरी को। और इन्होंने क्या कार्य किए थे, खुद के पैसे से इन्होंने विद्यालय खोले, धर्मशालाएं बनाई और अन्य कार्य भी किए, इस वजह से इनको राय बहादुर के उपनाम, इनको मतलब पद से सम्मानित किया था। उत्तराखंड में वृक्ष मानव किसे मतलब के नाम से, उपनाम से कौन जाने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। चिपको आंदोलन के लिए डालियो दुगड़िया संगठन का गठन चंदी प्रसाद भट्ट ने किया, दालियों का दुगड़िया। ठीक है,
उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब? 1982 में इनको सम्मानित किया गया, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर किसने फैलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किस पर्यावरणविद ने 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने ही पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा को मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया, 1986 में दिया गया। ठीक है, इंडियन म्यूजिक की रचना की थी तो स्वामी राम ने की थी भाई, इंडियन म्यूजिक की रचना। ठीक है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? सतपाल महाराज। वन्य जीव की रक्षा के लिए हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की है कल्याण सिंह रावत मैती जी ने। कारगिल शहीदों की स्मृति में कल्याण सिंह रावत ने किस नाम से वन लगाया था? शौर्य वन या मैती वन। ठीक है, शौर्य वन और मैती वन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रावत ने मैती, जिसको माइका कहते हैं, नामक वन आंदोलन शुरू किया था 1995 में। किस पर्यावरण संरक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? तो अवधेश कौशल को जाना जाता है। गढ़वाली चित्रकला की चित्रशाला थी ये, श्रीनगर, बात कर चुके हैं हम इस पर। मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था? मन्मथ पंथ। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपने, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आता है, कई बार आ चुका है। तो मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया? मन्मथ पंथ चलाया था। गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बड़ोनी है, ठीक है, गढ़वाल के गांधी कौन है? इंद्रमणि बड़ोनी पहले लोक कलाकार थे जो कि विशेषज्ञ थे, चौफला केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे। ठीक, कौन? इंद्रमणि बड़ोनी जी। नारायण सिंह थापा धामी किस विधा के कलाकार थे? ये सिमेटोग्राफी के कलाकार थे। नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली गायक हैं, आप जानते हैं। राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, तो इनको लखनऊ आर्ट कॉलेज का पहला भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है। पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने की उपाय, पहाड़ी घसियारे आदि चित्र हैं, तो ये रणवीर सिंह बिष्ट जी के ही है। ठीक है, बात करेंगे आगे, गढ़वाली कुमाऊनी संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले किस संगीतकार ने नाद नंदिनी और ढोल सागर नामक पुस्तकें लिखी हैं? नाद नंदिनी और ढोल सागर किसके हैं? केशव दास अनुरागी के हैं, याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, यशोधर मठपाल की बात करेंगे, इन्होंने क्या किया था? भीमताल में अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी, लोक संस्कृति संग्रहालय की। मठपाल ने लोक कला पर अपनी पुस्तकें लिखी, इनका विशेष योगदान किस में है? कास्ट शिल्प क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता कौन है? तो इनका नाम है उत्तम दास। ठीक है, उत्तम दास इनका नाम है, ये ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं साथियों। ये क्वेश्चन एक आध दो बार पहले आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है? नारायण सिंह थापा की, डिब्रूगढ़ की बाढ़। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सौर ऊर्जा वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी ने बनाया भानु प्रताप यंत्र, चरखा और लैंप बनाया है। एनाफिलीज मच्छर की खोज 1902 में नोबल पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में कहां पर हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है, संभवतः आ जाए कभी, लेकिन ध्यान रखनी है। थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वह देवीदत्त पंत थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ये रहा आपका। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक कौन? नीलांबर पंत दोस्तों। ठीक है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक है। नीलांबर किस संगठन से जुड़े थे? ये इसरो से जुड़े थे। ठीक है, इसरो के साइंटिस्ट थे। डोभाल की बात करेंगे, डोभाल किस संस्था में है? चलिए डोभाल से लेकर के थोड़ा सा और देख लेते, किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था? किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम था? तो डॉक्टर डी पी डोभाल। ठीक है, तो डोभाल किससे संबंधित है? वाडिया इंस्टीट्यूट से संबंधित है दोस्तों। बात करेंगे आगे, वैज्ञानिक खड़क सिंह वालदिया किससे संबंधित है? भूविज्ञान से। आदित्य नारायण पुरोहित जो है कृषि वैज्ञानिक है। और उसके बाद कुमाऊं की लक्ष्मी बाई जिया रानी, ठीक है, कुमाऊं की लक्ष्मी बाई के नाम से किनको जाना जाता? जिया रानी को। 14वीं शताब्दी की कत्यूरी राजा जो थे प्रीतम देव, इनकी पत्नी थी। इन्हें पिंगला या प्योला नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पिंगला या प्योला किसका उपनाम है? तो ये किसका उपनाम है साथियों? ये जिया रानी का उपनाम है।
ये ध्यान रखना है आपने। नंबर एक, उन्हें रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला किया था, कुमाऊं में उन्हें क्या कहा जाता है? न्याय की देवी कहा जाता है, ठीक है, न्याय की देवी कहा जाता है। नाक काटने वाली रानी कर्णावती किन की पत्नी थी? तो ये महिपत शाह की पत्नी थी। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री और विमान परिचारिका विद्यावती डोभाल, ध्यान रखना है। राज्य में प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? कमलेंदुमती शाह, ये तो कई बार आ चुका है। गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिंचरी माई, टिंचई लिखा है तो टिंचरी माई है, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? ठगुली देवी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रथम सूत्रधार जो थी गौरा देवी था, इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला था? 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। गौरा पंत शिवानी जो है साथियों, ठीक है, ये क्या है? एक साहित्यकार है, ठीक है, गौरा पंत शिवानी। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति कौन थी? सुशीला डोभाल थी, प्रथम महिला कुलपति। हिंदुस्तान की संपादक मृणाल पांडे पुत्री हैं, तो ये हिंदुस्तान की संपादक मृणाल पांडे जो है वो गौरा पंत शिवानी जी की ही क्या हैं? पुत्री हैं। विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी हैं दीक्षा बिष्ट। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन भावना गुर्रानी है। भारत की पहली महिला मेजर जो है ये मेजर जनरल कुमारी माया टमटा है, ठीक है। हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? आपको पता ही होगा, ये तो फिल्में और अभिनय से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। भारत की पहली महिला रेफरी जूडो में, ठीक है, तो ये कौन है? सुश्री मीनू हैं। और राज्य की पहली राज्य की महिला फिल्म निर्देशिका, ठीक है, फिल्म की जो डायरेक्शन का काम करती हैं, डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर यानी कि, ये शालिनी शाह। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की जो पहली महिला है हंसा मनराल हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और आएगा। उत्तराखंड की पहली महिला IAS चुनी गई थी, तो ये ज्योतिराव पांडे चुनी गई थी। सौंदर्य प्रतियोगिता में राज्य की निहारिका सिंह चुनी गई थी, मिस इंडिया अर्थ 2005, ठीक है, निहारिका सिंह मिस इंडिया अर्थ 2005 में चुनी गई थी। अर्जुन पुरस्कार विजेता पर्वतारोही गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाले पर्यावरणविद कौन सी? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, ठीक है, ये पर्वतारोही हैं, हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोही हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं, सुमेलित करने में इनका नाम आता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम अभी तक देख लेते हैं, इसको एक टेबल के माध्यम से फटाफट देख लेते हैं। देखिए कुछ उपनाम हैं, ठीक है, उनके मूल नाम और उपनाम दिए, जैसे गुमानी है, लोकरत्न पंत है, गुसै या गुसै किसको बोला जाता है? सुमितानंदन पंत का नाम था। गौरदा के नाम से आप गौरीदत्त पांडे जी को जानते हैं, और गिरदा भी हैं, ठीक है, तो गौरदा गौरीदत्त पांडे, लेकिन गिरदा कौन है? गिरीश तिवाड़ी जी, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है आपने। पिंगला या प्योला मैंने अभी आपको बताया था, ये जिया रानी अल्मोड़ा की बेटी आयरिन पंत है। नागकटी रानी कर्णावती, ठीक है, और उसके बाद सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमन का नाम था, सरला बहन मतलब सरला बहन का नाम मिस कैथरीन हेलीमन था। चिपको वुमेन के नाम से आप गौरा देवी को जानते हैं, मैथी के नाम से कल्याण सिंह रावत को, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया शिवप्रसाद डबराल, गर्व भंजक माधव सिंह भंडारी, गर्व भंजन आ जाएगा तो महिपति शाह आ जाएगा, ठीक। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, मुसोलिनी या शेर हर्षदेव ओली को कहा जाता है, हिमालय पुत्र जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसने कहा था, ये भी आपको बताना है। धरती पुत्र या हिमपुत्र हिमुदी नंदन बहुगुणा आजाद किसे कहते हैं? भाई श्रीधर किमोठी। किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं के उपनाम से जाना जाता है। मौलिक पंडित नैन सिंह रावत, उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी, कोरा ब्राह्मण द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, तो जेम्स ये कॉर्बेट को जाना जाता है, ठीक है, सीधे सीधे देख लो आप। मशरूम लेडी या मशरूम गर्ल के नाम से दिव्या रावत, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द किंग ऑफ हर्सिल ये फ्रेडरिक को जाना जाता है, ठीक। बैडमिंटन क्वीन के नाम से मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है। हैट्रिक गर्ल के नाम से वंदना कटारिया दोस्तों, ठीक है, वंदना कटारिया हैट्रिक गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद दैवज्ञ के उपनाम से किसको जाना जाता है? मुकुंद राम बर्थवाल को दैवज्ञ। चारण शिवप्रसाद डबराल, गिरदा मैंने आपको बताया था गिरीश तिवाड़ी, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई मैंने बताया था, जिया रानी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, न्याय की देवी, गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली, ठीक है, कई बार क्वेश्चन। टिंचरी माई ठगुली देवी, बहुत बार क्वेश्चन। शिवानी, ठीक है,
किसका उपनाम था? गौरा पंत का। सतपाल महाराज सतपाल सिंह रावत इनका मूल नाम है। उत्तराखंड का गांधी किसको? इंद्रमणि बड़ोनी को। उत्तराखंड का वृक्षमानव विश्वेश्वर सकलानी को। और काली कुमाऊं का चाणक्य जो है या फिर गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को जाना कहा जाता है। विकास पुरुष के नाम से मैंने आपको बताया था ये कौन है? नारायण दत्त तिवारी। ठीक, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से, देखिए आप कबूतरी देवी का नाम आपने सुना होगा ना, तो तीजन बाई कबूतरी देवी हुई। टॉयलेट मैन के नाम से अब देखेंगे रमेश भटेजा। ठीक है, बात करेंगे जौहर के जौहरी जो है ना वो शेर सिंह पांगती जी हैं, जौहर के जौहरी। नशा मुक्त अवस्थी किसको कहा जाता है? डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को, नशा मुक्त अवस्थी के उपनाम से जाना जाता है। एवरेस्ट ट्विंस, ठीक है, ताशा और नुक्शी आप जानते होंगे, दो बहनें थी, जुड़वा बहनें, तो ये ताशा और नुक्शी ना, तो ये एवरेस्ट ट्विंस के नाम से जानी जाती हैं। एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं, ये मीनाक्षी खाती जी हैं, इनको एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। मेडिसिन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मनीष पंत को। गढ़वाली सहगल, ठीक है, जीत सिंह नेगी। एप्पल मैन के नाम से इंद्र सिंह बिष्ट को। भारत केसरी के उपनाम से लाभांशु शर्मा को। छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से देवा धामी को जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ उपनामों के बारे में मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट भी आप अपने पास रख सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, जो मेन मेन थे उनको आप नोट कर लेंगे और याद भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ से दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्तगी से। ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया, ठीक है, ये 2001 में मनाया गया। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकास्ट कब शुरू हुआ? 21 फरवरी 2005 से 5 में शुरू हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक कब शुरू हुआ दोस्तों? 21 सितंबर 2005 में देहरादून में ये शुरू हुआ था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है। तो अब हाँ, ये है लगभग 25 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी विज्ञान धाम का जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये देहरादून में इसका निर्माण किया जा रहा है और जैव विविधता पार्क का विकसित किया जा रहा है हल्द्वानी में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला देखते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेलाकुई में है, ठीक है। तो उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है सहस्त्रधारा रोड देहरादून में, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन आईटी पार्क है देहरादून में। और उसके बाद पंचायतों में ई पंचायत लागू करने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था, ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद है स्टेट डाटा सेंटर का शुभारंभ 26 नवंबर 2018 को किया गया। डैशबोर्ड उत्कर्ष संचालित किया गया स्टेट डाटा सेंटर में। जनता से सीधे संवाद के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1905, ठीक है, 1905। तो जनता से सीधे संवाद के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो शुरू हुआ था वो 9 जुलाई 2018 से यहाँ पर संचालित है। अपनी सरकार ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटरों से दी जा रही है 9 विभागों की 75 सेवाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आईटी एकेडमी केंद्र, ठीक है, ये है हर्मिटेज भवन नैनीताल में। एचपी कंपनी द्वारा आईटी एकेडमी नरेंद्र नगर टिहरी। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब कहाँ? हल्दी पंतनगर उधम सिंह नगर में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, पादप ऊतक संवर्धन है, पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जैव विज्ञान और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी की जो प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं वो कहाँ पर की गई हैं? यूसीबी हल्दी में, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं अगले नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं यहाँ से। अच्छा, केंद्र द्वारा सोलर सिटी बनाने के लिए चयनित है, ठीक है, तो ये देहरादून सोलर सिटी बनाने के लिए देहरादून को चयनित किया गया है। और जैव विविधता पार्क वगैरह, ये पटवा डांगर वगैरह, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ग्रोथ सेंटर परियोजना के तहत राज्य को 2 स्किल डेवलपमेंट केंद्र प्रस्तावित हैं ऋषिकेश पिथौरागढ़ में। पर्यावरण और प्रदूषण से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इंपॉर्टेंट से जो है, तो प्रदेश में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो 4 केंद्र स्थापित किए गए हैं, एक देहरादून में है, हरिद्वार में, नैनीताल और उधम सिंह नगर में, ये 4 यहाँ पर को किए गए हैं।
अब देखिए केंद्र के द्वारा गौमुख से लेकर के उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100-100 मीटर के क्षेत्र को 8 दिसंबर 2012 को घोषित किया गया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अब देखिए इको सेंसिटिव जोन इनको जो भागीरथी नदी है इसके तट पर दोनों तरफ 100-100 मीटर के एरिया में जो है ये इको सेंसिटिव जोन इनको घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आती है वो इनको कब घोषित किया गया, तो ये 2012 में किया गया, 8 दिसंबर 2012 में इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण 2 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं नहीं लगाई जा सकती हैं। ठीक है, गौमुख से लेकर के उत्तरकाशी तक अब ये जो है 2 मेगावाट से अधिक की जो परियोजनाएं हैं ये नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक, ये भी ध्यान रखना है। देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र को 1996 में क्या घोषित किया गया, इको सेंसिटिव जोन। ठीक है ना, देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र को 1996 में ही किया कर दिया गया था। पिथौरागढ़ स्थित अस्कोट अभ्यारण्य क्षेत्र को घोषित किया गया इको सेंसिटिव जोन, अस्कोट अभ्यारण्य क्षेत्र। अब ये क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे आते हैं, 3-4 दे देंगे, इनमें से निम्न में से कौन इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो 3-4 के नाम दे देंगे और एक का नाम नहीं देंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। अस्कोट भी इसमें, इस अस्कोट अभ्यारण्य क्षेत्र भी इको सेंसिटिव में है, देहरादून और उसके आसपास का क्षेत्र भी इसमें है, और गौमुख से लेकर उत्तरकाशी में जो भागीरथी नदी है उसके दोनों तट के 100-100 मीटर की जो है एरिया वो भी इको सेंसिटिव में है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 2012 से कॉर्बेट के बाहर सभी दिशाओं में 500 मीटर का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, साइलेंस जोन। ठीक है, 500 मीटर का जो क्षेत्र है उसको घोषित साइलेंस जोन में 2012 से। ठीक है, कॉर्बेट के बाहर सभी दिशाओं में। उसके बाद 2009 से वाहनों पर इको टैक्स लगाया गया है। ठीक है, तो मसूरी में इको टैक्स लगाया गया है। चलिए बात करेंगे गंगा प्रदूषण निवारण के लिए केंद्र प्रायोजित गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये केंद्र के द्वारा ये चलाया गया था, ये प्लान गंगा एक्शन प्लान थे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी, 14 जून 1985 को इसकी शुरुआत हुई थी, जो आज तक साफ नहीं हो पाई है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4 नवंबर 2008 को इसको गंगा को किया गया था राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया हमारी। ठीक है, गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2008 में गठित की गई राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसकी की गई राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अक्टूबर 2009 में संपन्न पहली बैठक। ठीक है, मैं 2020 तक गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने का उद्देश्य रखा गया था स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगला। अब देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2009 को, ये डेट याद रखनी है, 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में के राष्ट्रीय सेवायोजन प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं और अन्य के द्वारा मुनि की रेती से शुरू किया गया था स्पर्श गंगा अभियान। स्पर्श गंगा अभियान कहाँ से शुरू हुआ था और कौन सी डेट में हुआ था, इसमें कितने लोग शामिल थे, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को। अच्छा हाँ, स्पर्श गंगा अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हेमा मालिनी है। ठीक है, हेमा मालिनी को बनाया गया। गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए केंद्र द्वारा नमामि गंगे शुरू किया गया अभियान। ठीक है, तो 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया मोदी जी के द्वारा। ठीक, राज्य की भागीरथी गंगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है नमामि गंगे परियोजना में। ठीक है, कौन कौन सी नदियों को, भागीरथी को, गंगा को, अलकनंदा और मंदाकिनी को, ये 4 नदियां हैं जिनको नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया है। नमामि गंगे योजना से योजना में प्रदेश के 7 जिले हैं। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। ठीक है, और 30 विकास खंड भी इसके अंतर्गत चयनित किए गए हैं, जबकि ग्राम पंचायतें कितनी चयनित की गई, 126। ठीक है, नमामि गंगे योजना जो है, ठीक है, इसमें 7 जिले, 30 विकास खंड और 126 ग्राम पंचायतें चयनित की गई हैं, ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड के आप देखेंगे बद्रीनाथ है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग, गौचर, कीर्तिनगर, मुनि की रेती, टिहरी देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जो ये भी है, कुल मिला के 15 नगर यहाँ पर शामिल हैं।
तो इसमें जो है नमामि गंगे योजना में 15 नगर ये भी शामिल है। इसमें नमामि गंगे योजना के तहत देश और प्रदेश का पहला हाइब्रिड NUT STP ठीक है PPP मॉडल के आधार पर ये जो है हरिद्वार में जो है बनाया जाएगा। और नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे, ऋषिकेश और देहरादून में जैव विविधता पार्क भी बनाए जाएंगे, नमामि गंगे योजना के तहत ही बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर सैन्य खेल और पुरस्कार से कुछ प्रश्न जो आते हैं उनको देख लेते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम कब दिया गया, तो 27 अक्टूबर 1945 को। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत कब बनाया गया, 1948 में बनाया गया था, 1948 में। सेना अध्यक्ष जनरल एस एम श्री नागेश, जनरल KS मिथैया और जनरल TN रैना ये कुमाऊं रेजिमेंट के ही थे, ठीक है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ दोस्तों, ठीक है, तो 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद जब भारत पाक युद्ध हुआ तो कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा भी क्या थे, 4 कुमाऊं रेजिमेंट के ही मेंबर थे, सैनिक थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में लद्दाख के मेजर शैतान सिंह, ठीक है, लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनियों ने क्या किया, कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों, चीनियों से कुमाऊं रेजिमेंट के जो सैनिक हैं इन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया, जबरदस्त लोहा लिया था 1962 के युद्ध में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो उसमें मेजर शैतान सिंह को क्या दिया, मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है, 13वीं और 15वीं बटालियनों को, ठीक है। और उसके बाद है गोरखा रेजिमेंट के दूसरी बटालियन 5 मई 1947 को अल्मोड़ा में गढ़वाली सैनिकों को लेकर तीसरी रेजिमेंट का गठन करके लैंसडाउन पौड़ी में छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया, तो 4 नवंबर 1887 को, ठीक है। उसके बाद गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष क्या है, जय बद्री विशाल, ठीक है, जय बद्री विशाल इसका नाम है। उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल का नाम क्या हो गया, गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, तो रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम स्वतंत्रता के बाद गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया, या गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट या गढ़वाल रेजिमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, पेशावर कांड के बारे में आपने सुना होगा, तो पेशावर कांड जो हुआ था इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रहियों पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या कर दिया था, गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये 23 अप्रैल 1930 की बात थी दोस्तों, जो पेशावर कांड हुआ था, ठीक है, तो गोली चलाने से इनकार कर दिया, इसके लिए इनको फिर जेल जाना पड़ा था, तो इनको जो कैद हुई थी वो 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन की कैद हुई थी, 11 वर्ष 3 माह 18 दिन, ठीक है। किसने कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता, ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी की वीरता पर 1914 में मिला, उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, किसको मिला था, दरबान सिंह नेगी को मिला था दोस्तों, ठीक है, प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था, ठीक है। और इसी दौरान द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन गब्बर सिंह, ठीक है, इनको भी जो है क्या मिला था, विक्टोरिया क्रॉस मिला था। बात करेंगे नेक्स्ट विपिन चंद्र जोशी थल सेना अध्यक्ष रहे, ठीक है, विपिन चंद्र जोशी जो है कब से कब तक थल सेना अध्यक्ष रहे साथियों, 1993 से 94 में, ठीक है, 1993-94 में विपिन चंद्र जोशी थल सेना अध्यक्ष रहे। उसके बाद बात करेंगे 1953 में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं यहाँ से, कोई ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़ना जो है संभव नहीं है। चलिए अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़्यादा नहीं है, अब नीचे खेल और खिलाड़ी में देखते हैं। राज्य में खेल नीति कब घोषित की गई, 16 जनवरी 2006 को की गई थी, ठीक है, खेल नीति 16 जनवरी 2006 को घोषित। खेल अकेडमी की स्थापना 2001 में की गई, ठीक, ये ध्यान रखनी है कुछ इम्पोर्टेंट। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान
संस्था, ठीक है, उत्तरकाशी में है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 1965 स्थापना, नेहरू पर्वतारोहण क्लब नैनीताल में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, ये जो है पहले कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये सारे कर चुके हैं। लेकिन हाँ, रांची स्टेडियम मैंने आपको बोला था ना, तो ये एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्टेडियम, मैंने कहा था अगर फैक्ट किसको याद आ रहा है तो उससे संबंधित बताओ, तो यही था। तो रांची स्टेडियम एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्टेडियम जो है वो रांची स्टेडियम है, ठीक है। फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को, ठीक है, छेत्री को, राम बहादुर छेत्री को फुटबॉलर क्या जाना, चाइना बॉल के नाम से जाना जाता है। फुटबॉलर त्रिलोक सिंह बछेड़ा को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसको, फुटबॉलर त्रिलोक सिंह बछेड़ा को जाना जाता है। राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक जो थे वो कौन थे दोस्तों, केसी सिंह बाबा, ठीक है, सांसद भी रहे। उसके बाद राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था 3-7 जून 2018 को, ठीक है, 3-7 जून 2018 को अफगानिस्तान और बांग्लादेश का हुआ था पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देहरादून में। विकेटकीपर और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से कहाँ के हैं, ये हैं ल्वाली गांव अल्मोड़ा के दोस्तों, ठीक है। और क्रिकेट मनीष पंत, अब देखेंगे यहाँ पर, चलिए बढ़ते हैं, तो क्रिकेटर मनीष पंत हैं, तो मनीष पंत कहाँ के हैं, हरिद्वार के हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, ठीक है, देखिए मनीष पंत लिख रहा है इसने, मनीष पांडे है और ऋषभ पंत है, ठीक है। तो ऋषभ पंत जो है वो हैं हरिद्वार रुड़की से, यानी कि ये तो गंगोलीहाट पिथौरागढ़ के हैं, लेकिन अब इनका जो निवास है वो रुड़की में है, तो ये वहाँ पर के हैं, ठीक है। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, ये कहाँ की, हरिद्वार की, वंदना कटारिया कहाँ की है, हरिद्वार की। और सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर शतरंज बने कौन, परिमार्जन नेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा, स्कीइंग है साथियों, ठीक है। और पिथौरागढ़ की रीना धर्मसक्तु ने 2009 में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से ये पहुंची थी, दक्षिणी ध्रुव में ये 40 दिन में पहुंची थी स्कीइंग के माध्यम से। देश की पहली महिला के रूप में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह कब किया था, 24 मई 1984 को, 1984 को जो है बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह किया था। राज्य में पहला शीतकालीन सैफ खेल जो है वो कब हुआ था, 10-16 जनवरी 2011 को औली और देहरादून में। 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कार में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द जोड़ा गया, तो ये 2015 से ही जोड़ा गया। राज्य में जो खेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है, कब दिए जाते हैं, प्रायः राज्य का जो स्थापना दिवस है 9 नवंबर उस दिन दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में प्रस्तावित है 38वां राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित है, 38वां राष्ट्रीय खेल, 34 खेल प्रतियोगिताएं होगी इसमें, ठीक है। तो कौन कौन सी जगह पर होंगी, उत्तराखंड की 7 जगहों पर होने हैं, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, गुलरभोज, ऋषिकेश, नैनीताल और रुद्रपुर में, ठीक है। तो ये 7 जगहों पर 34 खेल प्रतियोगिताएं होनी है 38वें राष्ट्रीय खेल में। बात करेंगे कुछ पुरस्कारों की जिनमें भारत रत्न आ जाते हैं, पद्म भूषण आ जाते हैं, पद्म विभूषण आ जाते हैं, ठीक है, तो ये किन किन को मिले हैं दोस्तों, ज़्यादा पूरे डिटेल नहीं करेंगे, मेन मेन चीज़ देख लेते हैं। जैसे भारत रत्न है, ठीक है, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत, 1957 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है डॉक्टर घनानंद पांडे, भैरवदत्त पांडे, सुंदरलाल बहुगुणा और जनरल बिपिन रावत को। तो जनरल बिपिन रावत तो आप देखेंगे, ठीक है, असाधारण सेवा के लिए 2022 में दिया गया, 2009 में बहुगुणा जी को दिया गया, भैरवदत्त को प्रशासनिक के लिए 2000 में, घनानंद पांडे को विज्ञान के लिए 1969 में दिया गया। अगर बात करेंगे पद्म भूषण की तो पद्म भूषण जो है काफ़ी लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है, इसमें नाम देख लेते हैं फटाफट से क्योंकि नाम आते हैं, तो कमलेंदुमती शाह हैं, सुमिता नंदन पंत हैं, कुंवर सिंह नेगी, चंडी प्रसाद भट्ट, रस्किन बॉन्ड, स्वामी सत्यमित्रानंद, ठीक है। कमलेंदुमती शाह जो है समाज सेविक थे, सुमिता नंदन पंत साहित्य से संबंधित, कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि, चंडी प्रसाद भट्ट जो है पर्यावरण से संबंधित, रस्किन बॉन्ड साहित्य, स्वामी सत्यमित्रानंद जो है अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अब आप बात करेंगे यहाँ पर प्रोफेसर खड़क सिंह वालदिया, इनको भी जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भूविज्ञान से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती अध्यात्म से, बछेंद्री पाल पर्वतारोहण से, 2019 में इनको ये मिला था,
अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, ये 2020, चलिए ध्यान रखेंगे। बात करेंगे पद्मश्री, तो पद्मश्री जो है काफ़ी लोगों को दिया जा चुका है दोस्तों, ठीक है, पद्मश्री काफ़ी लोगों को दिया जा चुका है। आप देखेंगे इतने लोगों के नाम यहाँ पर देखने पढ़ने में संभव नहीं है, तो आप फटाफट से देख के स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा। तो आप यहाँ देखेंगे पद्मश्री किन किन लोगों को, बचेंद्र पाल को पद्म भूषण, वो मैंने आपको बता दिया 2019, ठीक है। लक्ष्मण सिंह जंगपांकी, ये सारे हैं, देखिए बहुत सुंदर लाल बहुगुणा 1981 में इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप देखेंगे, धीरे धीरे मैं आगे करता हूँ, ठीक है। बछेंद्री पाल को पद्मश्री कब दिया गया, बछेंद्री पाल को, ठीक है, ये पर्वतारोहण से हैं, 1984 में ही इनको दिया गया, पर 1984 में ही इन्होंने एवरेस्ट फतह भी किया था, ठीक है। और उसके बाद चंद्रप्रभा एतवाल हैं, देखिए, ठीक है। और चलिए उसके बाद आप ये फटाफट से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ये देखिए पूरा वंदना कटारिया को 2022 में सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये तो आप ले सकते हैं, बसंती देवी को भी 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो हरीश राणा उत्तरकाशी, बबली, महेश कुमार, पूजा कबडवाल, श्रुति, प्रियांशु, ये सारे नाम देख लीजिए आप, इनको इतने में कहाँ पढ़ूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार किस किस को दिया गया है, ठीक है, इसमें देखिए आप मग्नी देवी, सुनील चौहान, संगीता अग्रवाल, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित है, ये तीन नाम याद रखने हैं आपने, क्योंकि कम नाम है तो ये याद भी हो जाएंगे। प्रमुख सैन्य पुरस्कार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, दरवान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस। अब देखिए विक्टोरिया क्रॉस जो है केवल दो लोगों को मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन थे, दरवान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी, ये दोनों, ठीक है, गब्बर सिंह को 15 में, दरवान सिंह नेगी को 14 में, पहले ये हुए, दूसरे गब्बर सिंह नेगी हुए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये दोनों का नाम दें। अब परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कितने लोग हैं भाई, अभी तक तीन लोगों ने परमवीर चक्र प्राप्त किया है, मेजर सोमनाथ शर्मा, दीवान सिंह दानू और मेजर शैतान सिंह, ये तीन लोगों ने क्या किया है जो है परमवीर चक्र प्राप्त किया है, ठीक, परमवीर चक्र प्राप्त किया। अब अशोक चक्र की अगर बात करेंगे तो अशोक चक्र में आप देखिए भवानी दत्त जोशी, ठीक है, ये देखिए इतने लोगों ने अशोक चक्र प्राप्त किया है, ठीक है। इसमें आ जाएंगे भवानी दत्त जोशी, मातवर सिंह नेगी, रणवीर सिंह, मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल, गजेंद्र सिंह बिष्ट, नीरज कुमार और मोहन नाथ गोस्वामी, ठीक है। और जो सबसे लेटेस्ट में मिला है दोस्तों, ये रणवीर सिंह को मिला है अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र 2002 में इनको, सबसे लेटेस्ट इनको नहीं मिला है, 2016 में मिला है एक को, ठीक है, माफ़ी चाहते, 2016 अशोक चक्र 2016 में इनको मिला था, मोहन नाथ गोस्वामी को, ठीक है ना, ये सबसे लेटेस्ट है। शौर्य चक्र में आप बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के नाम शौर्य चक्र में यहाँ पर दिए गए हैं, तो 2021 में शौर्य चक्र किन किन को मिला है, विभूति शंकर ढोंडियाल, लेफ्टिनेंट जनरल ज्योति लामा को, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है, पर्यावरण के क्षेत्र में 1982 में मिला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना डेट सही। और दीप जोशी को, ठीक है, तो दीप जोशी का सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक क्षेत्र के लिए मिला है, सामाजिक कार्य के लिए मिला है, 2009 में इनको मिला दीप जोशी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो खेल पुरस्कार देखिए ओलंपिक स्वर्ण 1956 में हरदयाल सिंह हॉकी में खेल पुरस्कार मिले इनको, पद्म बहादुर, हरिदत्त कापड़ी इनको बास्केटबॉल के लिए, हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण, चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोहण के लिए, इनको अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, किस किस को, ये चारों को अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, पद्म बहादुर मल, हरिदत्त कापड़ी, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा एतवाल, ये चारों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये ध्यान रखने हैं। और इनके अलावा भी अर्जुन पुरस्कार जो है बछेंद्री पाल, ये पटवारी के जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें आया था, बछेंद्री पाल को जो है अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो ये 1986 में किया गया था, ठीक है, 1986 में सम्मानित किया गया था। तो इसी प्रकार से आप आगे भी देख लेंगे सारे जो है किस किस को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, वो सारे यहाँ से देख सकते हैं। तो राज्य खेल पुरस्कारों में आप यहाँ पर ये सारे देख सकते हैं, ठीक है, ये लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से मार लीजिए। साहित्यिक पुरस्कार में आप देखेंगे सुमिता नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदंबरा के लिए दिया गया था,
रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं। 2022 में जो लेटेस्ट है वो ध्यान रखेंगे तो देवेंद्र मेवाणी बाल साहित्य श्रेणी के लिए देवेंद्र मेवाणी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। और राज्य और देश में अगर प्रथमों की बात करेंगे, अभी कितने पेज रह गए एक बार देख लें, अरे बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे पेज हैं दोस्तों, ठीक है चलिए फटाफट से निपटा लेंगे, ठीक है फटाफट से निपटा लेते हैं। और राज्य और देश में प्रथम की बात करते हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना थोड़ा रहती है। राज्य के पहले भारत रत्न प्राप्त करता गोविंद वल्लभ पंत है, पहले पद्म विभूषण प्राप्त करना घनानंद पांडे, ठीक है। राज्य के पहले पद्म भूषण प्राप्त करता कमलेंदुमती शाह, राज्य की पहली पद्मश्री, अभी हम राज्य राज्य की देखेंगे, ठीक है। पहली पद्मश्री प्राप्त करता छत्रपति जोशी है, पहले राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त किसने किया था, हरीश राणा ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए 1968 पहले बताया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता रस्किन बॉन्ड ने 1992 में पहले। राज्य के दूसरे साहित्य अकादमी पुरस्कार लीला जगुड़ी ने। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार राज्य का किसने पाया था, महिला ने, हंसा मनराल 2001 में, ठीक इंपोर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स में राज्य में प्रथम पदक प्राप्त करते कौन है, हरी सिंह, हरी सिंह पहले प्राप्त करता है। चलिए उसके बाद बात करेंगे प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता महिला हंसा मनराल, हरी सिंह, अच्छा ये हो चुका है। एशियाई खेल में राज्य के प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करता तो ये पद्म बहादुर मल्ल हैं, ठीक है लाइटवेट। सैफ और कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किसने किए हैं, जसपाल राणा ने किए हैं। प्रथम परमवीर चक्र, प्रथम द्वितीय परमवीर चक्र ही मैं आपको बता चुका हूँ, सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह। अशोक चक्र प्राप्त करता कौन है, पहले भवानी दत्त जोशी, ठीक है। पहले विक्टोरिया क्रॉस किसने प्राप्त किया था, सबसे पहले दरबान सिंह नेगी ने, और दूसरा किसने किया था वो भी मैं आपको बता चुका था। पहले देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार निशानेबाज जसपाल राणा को, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार पहला किसको मिला, मुक्केबाज हरिसिंह थापा को, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। पहला देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पद्म बहादुर मल्ल मुक्केबाज हैं। पहला रमन मैक्सेसे पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था, ठीक है। दूसरा किसको मिला, दीप जोशी को, ठीक है, ये दो ही लोगों को अभी तक मिला हुआ है। राज्य के पहले, ठीक है, राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रकाश पंत को 2008 में मिला है। प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी ऋतु उपाध्याय 1977 में, ठीक है राज्य की। और राज्य के ही प्रथम मिस इंडिया अर्थ निहारिका सिंह, मिस इंडिया अर्थ 2005, ठीक। विश्व की दूसरी और एशिया की पहला प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी दोस्तों, ये आपको पता ही होगा 13 वर्ष से 142 दिन की आयु में, ठीक है। विश्व का दूसरा और एशिया का पहला युवा ग्रैंड मास्टर है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल स्वर्ण जीतने वाले राज्य के पहले और देश के तीसरे खिलाड़ी कौन है, लक्ष्य सेन, ठीक है। अभी भी निरंतर ये नाम रोशन करे जा रहे हैं, अल्मोड़ा के हैं दोस्तों। जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने एकल स्वर्ण जीता और राज्य के प्रथम और देश के तीसरे खिलाड़ी हैं। राज्य की पहली महिला सांसद कमलेंदुमती शाह और राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद माला राजलक्ष्मी शाह। पहली महिला मेयर राज्य सभा सदस्य मनोरमा शर्मा डोबरियाल और राज्य के पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन चंद जोशी, ठीक है ध्यान रखना आपने। राज्य के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे, एडमिरल देवेंद्र जोशी। प्रदेश के तीनों सेनाओं के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पहले सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल जी, ठीक है। और पहली महिला IAS ज्योतिराव पांडे। पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन सी भट्टाचार्य, हजारों बार क्वेश्चन आया। राज्य की पहली मेजर जनरल माया टमटा जी, ठीक है। राज्य की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, सॉरी महिला नहीं, राज्य के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो ये कालू मेहरा हैं, ठीक है। और कुमाऊं से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति मोहन सिंह मेहता, मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चन हाल ही में परसों आया था कनिष्ठ के पेपर में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला, ठीक है, बिश्नी देवी शाह अल्मोड़ा से 1930 में जेल गई थी। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपात करता गौरा देवी, आपको पता ही है। मैथी आंदोलन के प्रथम सूत्रपात ये कल्याण सिंह रावत। हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री
गोपाल दत्त पिस्टे, ठीक है, हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं ये। देश और प्रदेश के सबसे कम उम्र के एमिनेटर कौन है? अमन रहमान। हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति पीताम्बर दत्त बड़थवाल। कुमाऊं क्षेत्र के पहले कवि, ठीक है, लोकरत्न गुमानी पंत है। राज्य का पहला समाचार पत्र है जो अंग्रेजी पाक्षिक द हिल्स था, 1842 में मसूरी से प्रकाशित। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र पर्वती था। देश और प्रदेश की पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद पंत है जो पंतनगर में है। प्रथम संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय, ठीक। भूगर्भ से संबंधित प्रथम संग्रहालय कौन सा है? तो ये वाडिया, ठीक है, वाडिया भूगर्भ विज्ञान। विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र है भारतीय वन्य जीव संस्थान। राज्य का प्रथम पंजीकृत पब्लिक स्कूल कौन सा? दून स्कूल। सर्वाधिक नौसेना प्रमुख देने वाला विद्यालय सेंट जोसेफ एकेडमी है। एशिया का प्रथम उद्यान जिम कॉर्बेट उद्यान है 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। पशु चिकित्सा और शोध हेतु देश का पहला संस्थान कौन सा है? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी जो मुक्तेश्वर में है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे भू सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए देश का प्रथम संस्थान कौन सा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। राज्य का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज कौन सा? वीर चंद सिंह गढ़वाली आयुर्वेदिक शोध संस्थान। प्रथम नेत्र चिकित्सालय महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय विज्ञान कहाँ पर है? देहरादून में है। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजा 280, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा नंदा देवी राजा 280 किलोमीटर 1920 दिन की इसमें यात्रा की जाती है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह दोस्तों ये जागेश्वर मंदिर समूह है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध जो है कालागढ़ बांध, ठीक है, जो पौड़ी में है, ये देखिए। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम जिसकी 260.5 मीटर ऊंचाई है। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कौन सा है? केवल कार गंडोला राइड जोशीमठ ओली रोपवे, ठीक है, ये 4.25 किलोमीटर इसकी दूरी है ऊंचाई इसकी 3016 मीटर ऊंचाई पर है। बात करेंगे देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कौन सा? झूला पुल जिसको बोलते हैं, ठीक है, सबसे लंबा डोबरा चांठी, मैंने इसको आपको थोड़ी पहले बताया था पहले के चैप्टरों में। अभी तक राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग में, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष जो है मोरी ब्लॉक है उत्तरकाशी में, 230 वर्ष का ये वृक्ष 8 मई 2007 को फिर इसको ये गिर गया था 60.65 मीटर, भाई 60 मतलब मान के चलो 70 मीटर का ये वृक्ष होगा, कितना ऊंचा था बाप। एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम एशिया का, ये रांची स्टेडियम मैंने आपको बताया एशिया का दूसरा है जो सबसे ऊंचाई पर स्टेडियम है। भारत का सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस कौन सा है? सर्वाधिक खेल मैदान इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ठीक है। राज्य की सबसे लंबा लकड़ी का पैनल हॉल कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान में, ठीक है। प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व आसन बैराज 2005 में। देश का पहला ऑयल म्यूजियम स्वर्ण जयंती संग्रहालय। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान है। पहली महिला मेयर राज्य की, ठीक है, मनोरमा डोबरियाल शर्मा। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की 1887 में, इम्पोर्टेंट। एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज टिहरी में। राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान सेलाकुई में, ठीक है। और राज्य के सर्वाधिक नरभक्षी बाघों और गुलदारों का शिकार करने वाला व्यक्ति लखपत सिंह रावत गैरसैंण चमोली के हैं, ठीक है। राज्य में दौड़ में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदक धारी कौन है? सुरेंद्र सिंह भंडारी है दौड़ में, ठीक है। प्रथम महिला परिवहन विमान कमांडर कौन है? क्षमता वाजपेयी। प्रथम महिला बॉडी बिल्डर और मिस वर्ल्ड है बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता विजेता भूमिका शर्मा है, हंसा मनराल की पुत्री है ये, राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है दोस्तों भूमिका शर्मा। राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट और पाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला वर्तिका जोशी, ठीक है। एवरेस्ट पर चलने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हरिश्चंद्र सिंह रावत 29 मई 1965 को चढ़े थे। एवरेस्ट फतह करने वाले देश और प्रदेश की पहली महिला, ठीक है, देश और प्रदेश की पहली महिला बछेंद्री पाल 24 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। हिमालय को पार करने वाले महिला दल की नेतृत्वकर्ता सुश्री बछेंद्री पाल, ठीक है।
थार रेगिस्तान को पार करने वाले दल की नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। एक वर्ष के अंदर दोनों ध्रुव तिरंगा फहराने वाले वाली देश और राज्य की पहली महिला, ठीक है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरा वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर विनीता फर्तियाल है, ठीक है, नैनीताल की। अंटार्कटिक ध्रुव पर 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को दिसंबर 2009 में 40 दिन में इन्होंने पूरा कर लिया था। रीना धर्मशक्तु हैं जो पिथौरागढ़ की हैं। अंटार्कटिक ध्रुव पर 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को इन्होंने क्या किया था, 40 दिन में पूरा किया। देश और प्रदेश में सर्वाधिक 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले लवराज धर्मशक्तु, देश और प्रदेश में इन्होंने 7 बार एवरेस्ट फतह किया है, सबसे ज़्यादा बार एवरेस्ट फतह करने वाले। सबसे कम उम्र की जुड़वा बहन है ताशा नुक्शी, ठीक है, ताशा और नुक्शी मलिक 2013 में इन्होंने। विश्व में सबसे कम उम्र में दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली जुड़वा बहन ताशा नुक्शी ही है। दक्षिण ध्रुव फरह करने वाली रीना कौशल के बाद दूसरी महिला कौन है, ताशा नुक्शी। और विश्व में द सेवन सबमिट क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिलाएं ताशा नुक्शी, ये दोनों हैं। सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों के साथ साथ दोनों ध्रुवों को फतह करके एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम का खिताब प्राप्त करने वाली विश्व प्रथम जुड़वा बहन है ताशा नुक्शी है। कितने रिकॉर्ड हैं इनके नाम आप देख सकते हैं। लेह लद्दाख में खारदुंग ला दरला बाइक से पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता सती जो है ये हैं, पिथौरागढ़ से थी। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक कालिंदी खाल गंगोत्री, सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज देश का, ठीक है, तो ये कौन सा, डोबरा चांठी ब्रिज टिहरी में है। प्रदेश का पहला वेटलैंड है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट घोषित किया गया, आसन बैराज, आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून में प्रदेश का पहला वेटलैंड हो गया ना। राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क बनाया गया है सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन ऋषिकेश। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क विकसित किया गया है तो देहरादून में। देश और प्रदेश का प्रथम रामायण वाटिका विकसित किया गया है हल्द्वानी नैनीताल में। देश और प्रदेश की पहली रामायण वाटिका। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर विकसित किया गया, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ट्यूलिप बहुत महंगा आता है। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका जिसको कहते हैं, इसको विकसित किया गया लाल कुआं नैनीताल में। सर्वाधिक ऊंचाई पर हलवर गार्डन विकसित किया गया है माणा गांव चमोली में। साथियों, देश और राज्य का पहला थैलेस गार्डन विकसित किया जा रहा है पातलचौड़ मुनस्यारी में, ठीक। राज्य का प्रथम मास गार्डन, ठीक है, तो राज्य का पहला मास गार्डन खुरपताल नैनीताल में। और देश का प्रथम वन हीलिंग स्टेशन विकसित किया गया, ये तो रानीखेत अल्मोड़ा में। उत्तर भारत का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ पर विकसित किया गया, मंडल घाटी चमोली में। देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है रानीखेत अल्मोड़ा में। पौधों हेतु देश का पहला पोस्ट एंटी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है तो ये मगरा टिहरी में बनाया गया है। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है द्वारसों कहाँ पर को, रानीखेत में। पहला पॉलिनेटर जिसको परागकण कहते हैं, ठीक है, परागकण पार्क विकसित किया गया है, ये हल्द्वानी में किया गया है पॉलिनेटर पार्क है, ठीक है। क्रिप्टोग्रेमिक, ठीक है, देश का पहला क्रिप्टोग्रेमिक बिना बीज वाली वनस्पतियों का पार्क विकसित किया गया तो देवबन चक्राता में किया गया। देश का पहला मसालों का बगीचा हिमालयन स्पाइस गार्डन के नाम से इसको विकसित किया गया है तो ये कहाँ पर किया गया, सोनी रानीखेत में। सोनी विंसर है ना एक जगह, तो वहाँ रानीखेत में विकसित किया गया। प्रदेश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है हल्द्वानी नैनीताल में। देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन विकसित किया गया है साथियों तो ये रानीखेत अल्मोड़ा में किया गया है। और देश का, सॉरी, राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट विकसित किया गया है, सिटी फॉरेस्ट ये झाझरा वन रेंज देहरादून में। राज्य का पहला पाम गार्डन तो ये हल्द्वानी नैनीताल पाम गार्डन। राज्य का पहला डायनासोर पार्क है, ठीक है, और ये हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य का प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर आईटी पार्क देहरादून, ठीक है, और उसके बाद प्रथम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर आईटी पार्क देहरादून में। उत्तराखंड में देश का पहला फॉरेस्ट ड्रोन कोर्स का गठन किया गया, ठीक है, प्रथम ड्रोन फोर्स का गठन तो ये दिसंबर 2018 में इसका गठन किया गया। पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर बनाया गया तो ये कहाँ, निम उत्तरकाशी में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे
प्लास्टिक से डीजल बनाने का देश का पहला संयंत्र स्थापित किया गया है। तो प्लास्टिक से डीजल बनाने का देश का जो पहला संयंत्र है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में अगस्त 2019 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। राज्य के सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी 171 फीट। तो दो अक्टूबर 2021 को गांधी पार्क रुद्रपुर में पर्यटकों के लिए राज्य के पहले ट्री हाउस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, राज्य के पहले ट्री हाउस कहाँ पर, फोटो वन रेंजर रामनगर नैनीताल में। पर्यटकों के लिए देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल विकसित किया गया है, तो ये सुरई इको जोन खटीमा उधम सिंह नगर में। देश का पहला लिक्विड मिरर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, तो एरीज नैनीताल में स्थापित किया गया है। तो साथियों ये रहे आपके चैप्टर वन के पार्ट टू का वीडियो, ठीक है, इसमें लगभग ये वीडियो जितने घंटे का भी बना होगा, 3-4-5 घंटे का, तो इसको मैं फाइनल जब बनाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कितने घंटे का बना है ये। तो अब देखेंगे इसमें बीच बीच में कई जगह पर मैं कहीं पर रुका हूँ, कहीं पर खांसी आई है क्योंकि इतना लंबा बोलना है, कहीं कहीं पर आवाज़ थोड़ा ख़राब हुई, कहीं पर बीच में गला कुछ प्रॉब्लम करने लगा, खांसने लगा, तो उसको एडिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखूंगा कितना लंबा ये वीडियो बना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितनी मेहनत हमने की है आप लोग भी थोड़ी मेहनत करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, वीडियो को आप जितने लोगों तक भी चाहें, ठीक है, हो सके जितना संभव हो सके वो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जिससे हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। और चैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ी मेहनत की है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे थैंक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो आप हमको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ थैंक्स मनी भी दे सकते हैं, तो आप लोग थोड़ी हेल्प हमारी इस माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अगले एग्जामों के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।